हमने लास्ट डे में प्रोपगेशन ऑफ एरर लास्ट टॉपिक कवर किया था। एक बार जस्ट इसको ब्रीफ कर देते ताकि जो लोग भूल गए, जिनकी याददाश्त कमजोर है, उनको थोड़े से रिवाइज हो जाए। जब हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर, तो हम क्या मीन करते हैं कि जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हो। मेजरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? डिवाइस चाहिए। जैसे एक समय मेजर करना है तो हम घड़ी यूज करते हैं, डिस्टेंस मेजर करना है तो कोई स्केल मेजर करते यूज करते हैं। तो आप कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनके हेल्प से, जिनको जिनको आप कैलकुलेट करते हो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। अब सिंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा, तो इसका मतलब उसके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर आएगी आएगी। तो अगर उनमें एरर है तो उनके हेल्प से आप किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को अगर कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी एरर आएगा। अब जैसे अगर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से गिरने के लिए छोड़ देते हैं, अगर रेस्ट से गिरने के लिए छोड़े तो फिर ग्रेविटी, आपको पता है एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो एस की वैल्यू को हम जब हम डिस्टेंस ट्रेवल के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो एस इज इक्वल टू क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप जब ये रिलेशन लिखोगे तो आप कैसा रिलेशन बनेगा आपके पास, ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा जैसे आपने एस की वैल्यू लिखा और इसको लिखा आपने हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब जी की वैल्यू तो किसी को पता नहीं है, ये आपने क्या किया है, ये आपने कैलकुलेट किया है, बट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ये जी की वैल्यू को अगर हम लिखें तो ये 2s/t² ऐसा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अब एस और टी क्या है? इंडिपेंडेंटली मेजर्ड क्वांटिटीज है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने के लिए छोड़ा तो वो कितना डिस्टेंस नीचे गिर गया, ये हमने स्केल से मेजर कर लिया। फिर इसको यहाँ से यहाँ गिरने में कितना टाइम लगा था, ये भी हमने घड़ी से मेजर कर लिया। तो एस और टी क्या है? मेजर्ड वैल्यूज है, और इनके हेल्प से जब हम जी को कैलकुलेट करेंगे तो जी के कैलकुलेशन में अब एरर प्रोपागेट करेगा। किन का एरर प्रोपागेट करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड का और टाइम का एरर अब जी के कैलकुलेशन में प्रोपेगेट करेगा। तो ऑब्वियसली जब आप जी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो कुछ एरर के साथ ही आप कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे कितनी एरर प्रोपेगेट हुई है ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के रूल्स हमने बनाए थे। एक रूल था जहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन था, और दूसरा रूल था जहां पे मल्टीप्लीकेशन डिविजन था। एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन से करके फिर तीसरे किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे आपने वाई इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है या वाई इक्वल टू ए माइनस बी ऐसा कुछ फॉर्म का इक्वेशन लिख रखा है, तो अगर आप डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट केस के लिए लिखते हैं या दोनों केस के लिए लिखते हैं? दोनों केस के लिए, राइट? दोनों केस के लिए क्यों लिखते हैं इसको? क्यों? क्योंकि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एरर हम हमेशा मैक्सिमम एरर निकालने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर आपको याद हो तो हम जब ए को ही लिख रहे हैं तो ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए लिख रहे हैं, राइट? और ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब हमको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि ए में कितना एरर है, हमको ये नहीं पता कि ए में एग्जैक्टली कितनी एरर है, हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम एरर ए में जो हो सकती है वो कितने की हो सकती है? डेल्टा ए की हो सकती है। इसीलिए ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी? अगर नेगेटिव एरर हो गया तो कहाँ से लाई करेगी? ए माइनस ऑफ डेल्टा ए। अगर पॉजिटिव एरर हो गया तो कहाँ लाई करेगी? वो ए प्लस डेल्टा ए। तो रेंज ऑफ वैल्यूज कितना हो गया? ए माइनस डेल्टा ए से ए प्लस डेल्टा ए, इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से कोई भी वैल्यू आपका यू नो ये वेरिएबल ले सकता है। इसी चीज में अगर हमने अगर मान लो कि वाई की वैल्यू को अगर ए प्लस बी से डिफाइन कर रखा है, और इमेजिन करो कि आपको वाई का एरर फाइंड आउट करना है, तो कोई पूछे वाई का एरर क्या है तो हमको एक्चुअली नहीं पता वाई का एरर कितना है, बट कोई अगर हमसे ये पूछे वाई में मैक्सिमम एरर कितना है तो हम निकाल सकते हैं वाई में मैक्सिमम एरर कितना होगा। और वो कैसे निकालेंगे? ए का मैक्सिमम एरर और बी का मैक्सिमम एरर निकाल के ऐड कर देंगे। यही सेम चीज आपको यू नो वाई इक्वल टू ए माइनस बी में भी करना है, क्योंकि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एरर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये मान ले रहे हो कि ए का एरर पॉजिटिव है और बी का एरर भी पॉजिटिव है, इसी वजह से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच में सब्ट्रैक्शन रह जा रहा है। क्योंकि अगर बी का एरर नेगेटिव होता तो ए मतलब डेल्टा ए माइनस ऑफ माइनस डेल्टा बी वो कितना हो जाता है? ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम एरर निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं, इस वजह से कभी भी हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, वहां पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करना पड़ेगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। इसी में अगर आप फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू अगर लिखनी है आपको तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ए या तो प्लस भी आएगा या फिर आपका माइनस भी आएगा। अगर ये आप यूज कर रहे हो मतलब रिलेशन आपको ए माइनस बी का दिख रहा है तो यहाँ पे भी आपको ऑटोमेटिकली आपको ए माइनस बी रखना है, क्योंकि वाई की वैल्यू आपकी क्या है? ए माइनस बी हो जाएगी वो। ठीक है, ये था आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन की क्वांटिटीज के लिए। फिर हमने देखा था मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का रूल, इसमें रूल थोड़ा सा डिफरेंट था। हमने जब वाई की वैल्यू को ए बी या फिर वाई की वैल्यू को ए बाई बी से डिफाइन किया था, तब हमने देखा था कि अगर हम डेल्टा वाई बाई वाई कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट एरर्स ऐड नहीं होते, फ्रैक्शनल एरर्स ऐड होते हैं। इसमें डेल्टा वाई बाई वाई की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, याद आ रही है आपको? और यहाँ पे भी एक और चीज आपको समझाई थी यहाँ पे मैंने कि जब ये डिविजन में होता है ऐसा ए इंटू बी टू द पावर माइनस वन का फॉर्म है,
तब जब आप इसका डिफरेंशियल चेंज लेके कैलकुलेट कर रहे थे, तो डेल्टा वाई बाई वाई की वैल्यू जो हमने निकाली थी आई थी डेल्टा ए बाई ए माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी, एक्चुअली ये आई थी। बट मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये वाली जो नेगेटिव है, अगर आपने नेगेटिव बीच में रख दिया तो इससे एरर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बट हम लोग सिंस मैक्सिमम एरर निकालने में इंटरेस्टेड होते हैं, इस वजह से हम कभी भी एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम एरर को हमेशा क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमने एक लॉजिकल सा सब्स्टिट्यूशन किया था कि इसको प्लस बना दिया था। इसी चीज को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया था कि आपको ये माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। अब इन ये जो लिख रहे हैं ना, ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं, इनको एरर फॉर्मूला बोल रहे हैं। एरर फॉर्मूला आपको ये समझ आना चाहिए कि एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आपको देता है, अप्रॉक्सीमेशन पे बेस्ड है। क्योंकि हम अगर आप ध्यान दोगे तो हमने ये डिफरेंशियल चेंजेस लिए थे, आपको याद है डिफरेंशियल चेंजेस लेना, याद है डिफरेंशियल चेंजेस जब हम ले रहे हैं तो उसके बाद फिर हमने ये डेल्टा डी वाई को हमने किससे रिप्लेस किया था, डेल्टा ए से रिप्लेस किया था। और उसका लॉजिक हमने क्या यूज किया था, हमने ये यूज किया था कि डेल्टा ए की वैल्यू ए से बहुत छोटी है और डेल्टा बी की वैल्यू बी से भी बहुत छोटी है। तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर होल्ड करते हैं तभी आपके ये रिजल्ट भी आपके होल्ड करेंगे, बट अगर वो अप्रोक्सीमेशन ही होल्ड नहीं कर रहा है तो फिर आपके रिजल्ट भी आपके होल्ड नहीं करेंगे। दीज आर अप्रोक्सीमेशन विच आर डन, इसीलिए आपकी कैलकुलेशन जो ये सब जो एरर कैलकुलेशन होती है ये सारे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किए जाते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए नहीं जा सकते ये सब चीजों के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ही है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। अब एक और चीज का थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ए और बी के लिए ए और बी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उन फिजिकल क्वांटिटीज में हम कुछ चेंजेस करते हैं। अब मैं एरर का क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, अब हम चेंजेस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मान लो कि अभी हमारे पास ए और बी जो है उनमें मेजर्ड वैल्यूज हैं और उनमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे मान लो कि ए को हमने 2% से बढ़ा दिया, बी को हमने 3% से घटा दिया, तो अब मैंने पूछा कि बताओ वाई में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो अब ये चेंज के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल सा काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि जैसे अगर यहाँ पे सोचो, अगर ए को मैं बोल रहा हूँ बढ़ा रहे हैं, हम ए को बढ़ा रहे हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंस वाई भी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ए कहाँ, न्यूमरेटर में है। बट अगर कोई बोले हमने बी को बढ़ाया है, बी को बढ़ाया है, तो वाई क्या होगा, घटेगा, राइट। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बी के बढ़ने से वाई घटता है। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने तो डिफरेंशियल चेंजेस इन मतलब जो ए और बी थे वो हमने ऑलरेडी लेके ये रिलेशन फाइंड किया था, दिस रिलेशन वाज ऑब्टेंड बाय टेकिंग डिफरेंशियल चेंजेस। डिफरेंशियल चेंजेस का मतलब क्या था, छोटे चेंजेस इन ए एंड बी, हमने वो लिया, तो उससे वाई का करस्पॉन्डिंग चेंज कितना होगा ये हमने निकाल लिया यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव तो आ रही है, डिफरेंशियल चेंजेस लेने पे यहाँ पे नेगेटिव है और उसका इंपॉर्टेंस भी है। अगर मान लो कि वाई बी की वैल्यू, जैसे मैं आपको बता रहा था डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है वो बी में, मान लो मैंने बोला कि 3% की वैल्यू मैंने उसकी बढ़ा दी है, मैंने बी को 3% से बढ़ा दिया है, तो बताओ वाई में क्या चेंजेस आपको दिखेंगे। तो बी को अगर हम 3% से बढ़ाते हैं तो डी बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी वो क्या होगा, +3% होगा, राइट। डी बी मतलब क्या है, चेंज इन बी, तो चेंज इन बी इज 3% ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो डेल्टा बी बाई बी को, ये जो डी बी बाई बी दिख रहा है आपको, ये क्या लिखोगे आप, +3% लिखोगे ना, आपको बात समझ आ रही है, दैट इज +3%। और यहाँ पे जब ये नेगेटिव लगी हुई है तो फाइनली वो क्या मीन कर रहा है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ऑफ 3% हो गया, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, कितने से, 3% से घट गई है, क्या आपको बात समझ आ रही है। तो ये तो तभी कर पाएंगे ना जब हम यहाँ पे ये साइन को कंसिडर करेंगे, अगर मान लो ये साइन को मैं कंसिडर नहीं करूंगा तो फिर तो ये नेगेटिव होने वाला बात कभी समझ नहीं आएगा आपको, आ रही बात समझ में आपको। तो जब आपको परसेंटेज चेंजेस की कैलकुलेशन करना हो ना, मतलब जहां पे ए बी या जो भी फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं और वो चेंजेस का साइन आपको पता है, देखो एरर का आपको साइन कभी नहीं पता होता है, एरर को हम लिखते कैसे हैं, ए प्लस माइनस ऑफ डेल्टा है, जब प्लस माइनस लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, हमको नहीं पता कि वो पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर है। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि चेंज किया मैंने 3% से इंक्रीमेंट किया है, तो आपको पता चल रहा है ना कि भाई वैल्यू बढ़ गई है 3% से, तब आपको अनसर्टेनिटी नहीं है, और अनसर्टेनिटी जब नहीं रहेगी तो आपको ये साइन कंसिडर करना ही पड़ेगा, यू हैव टू कंसिडर इट। एक और चीज सोचो कि अगर यहाँ पे सपोजली अगर मान लो कि यहाँ पे पावर में कुछ ऐसा होता, लेट से ए का पावर में 2 होता और बी के पावर में मान लो यहाँ पे 3 होता, लेट से जस्ट एक एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ, तो इसको कैसे लिख सकते थे हम, ए स्क्वेयर इंटू बी का पावर -3 हो जाता, होता। जब लॉगरिदम लेते हम यहाँ पे, ये स्टेप में जो हमने लॉगरिदम लिया था इसमें ln ऑफ ए स्क्वेयर जब लिखते तो ये क्या होता, 2 ln a हो जाता, फिर यहाँ पे क्या हो जाता, 3 ln b हो जाता, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब डिफरेंशियल चेंज लेते तो यहाँ पे भी आपको 2 दिखता और यहाँ पे क्या दिखता, 3 दिखता, दिखता ही नहीं दिखता। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या होता, जो एक्सपोनेंट मतलब जो पावर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो पावर्स क्या होंगे, यहाँ पे देखो ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आ रही बात समझ में। जैसे ए स्क्वायर हुआ तो ए का जो फ्रैक्शन एरर है वो बेसिकली आपका स्क्वायर होने की वजह से वो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा फ्रैक्शन एरर। अगर क्यूब होगा तो वहां पे कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर रूट होता तो कितना हो जाता, हाफ हो जाता, क्योंकि पावर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ है,
तो उस केस में क्या होता है, वो हाफ टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू हो जाता है। इसीलिए एक्सपोनेंट्स जो वैल्यू दिखेगी आपको, वो क्या करना है, आपको फ्रैक्शनल एरर में काउंट करना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसको जस्ट मेंशन कर लेंगे हम यहाँ पे लिखिए, जल्दी से इंपॉर्टेंट मार्क करके ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, लिखिए, इफ ए बी डी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली मेजर्ड, लिख लीजिए इंडिपेंडेंटली मेजर्ड वेरिएबल्स एंड वाई इज डिपेंडेंट ऑन देम एज वाई इक्वल टू ए का पावर स्मॉल ए बी के पावर में स्मॉल बी डिवाइडेड बाई डी के पावर में स्मॉल डी। इसी चीज को आप जब अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे इसको, इसी चीज को जब आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ए के पावर में स्मॉल ए बी के पावर में स्मॉल बी एंड डी के पावर में माइनस ऑफ डी हो जाएगा। देन आपको दो तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, एक है परसेंटेज एरर के क्वेश्चन, ठीक है, इसको पहले कैटेगरी में हम लिख रहे हैं। सो देयरफॉर नंबर वन, फॉर फॉर परसेंटेज एरर कैलकुलेशंस, जब परसेंटेज एरर कैलकुलेशंस करने होंगे आपको, एंड ये ध्यान रखना है फॉर लेस देन और इक्वल टू 5%, है ना, आपको याद है 5% का लॉजिक, छोटे चेंजेस, रिमेंबर छोटे चेंजेस हमेशा आपके 5% से कम के होने चाहिए, राइट। तो जब आपके छोटे चेंजेस होंगे तब आप क्या करेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई आपको लिखनी है, तो आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं स्मॉल ए इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस स्मॉल बी इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस प्लस या माइनस ना, ये एरर का क्वेश्चन है, एरर का भी सब्ट्रैक्ट होता है। हाँ, फिर इतना देर से समझाया कुछ समझा नहीं, फिर अभी माइनस बोल दिया, एरर का तो आपको कभी पता ही नहीं है पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर है, तो साइन कभी कंसिडर ही नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा एंड दैट विल बी डी टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर परसेंटेज चेंज कैलकुलेशंस, इसमें भी अगर ध्यान रखना है आपको, फॉर लेस देन और इक्वल टू 5%, 5% से कम के लिए करना है आपको ये। अब आप साइन कंसिडर करेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस सॉरी माइनस डी टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ इस चीज को, ताकि आपको ध्यान रहे यहाँ पे पढ़ते वक्त, ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। डिफरेंस है, एक में परसेंटेज एरर है उसमें आपको साइन नहीं पता होता है, एक में परसेंटेज चेंज है उसमें आपको साइन पता होता है। ठीक है, लॉजिक याद रखिएगा तो फिर आप क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे, लॉजिक नहीं याद रखोगे फिर क्वेश्चन में हमेशा गलतियां करोगे, प्लस का माइनस कर दोगे माइनस का प्लस कर दोगे, फिर बोलोगे कि यू नो सिली मिस्टेक हो गया। समझ आ गई सबको यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा उसके एप्लीकेशन को यूज करते हैं। लिखिए, इफ द लीनियर मोमेंटम इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स मास इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स मास इज इंक्रीज्ड बाय, पहला नंबर वन 3%, नंबर टू 30%, कॉमा दिखे लिखे फाइंड द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन बोथ केसेस, दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की चेंज मिल रही है आपको, ये फाइंड करनी है। पहली चीज तो ये एरर का क्वेश्चन है, ये आप समझने की कोशिश करो कि देखो इनको भी ना हम एरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, परसेंटेज चेंजेस दिए हुए हैं आपको एंड फिर आपको परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, तो ये एरर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, बट थोड़ा सा जस्ट एक बार रिलेट कर लो। एक है लीनियर मोमेंटम जिसके चेंजेस उसने दे रखे हैं आपको, और पूछा किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि हम काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, वंस वी आर एबल टू एक्सप्रेस दैट वी विल गेट अ रिलेशन
एंड रिलेशन मिल जाएगा तो फिर हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें सम रूल लगाना है या डिवीजन रूल वाला मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। तो पहला काम यही करते हैं, तो वील ट्राई टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन देम। एटलीस्ट आपको काइनेटिक एनर्जी पता तो होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। पता ही नहीं पता है आपको? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। और आपको ये पता है कि मोमेंटम क्या होता है? एम वी। तो एक काम करते हैं, इसको एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एम वी का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 m हो जाएगा। सही लिखा मैंने? ठीक है। और एम वी मतलब क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम। इसको लिख लिया हमने पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 m, करेक्ट है। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में आपको 2 भी दिख रहा है, m भी दिख रहा है, ये चीजों में कोई एरर चेंजेस किए गए हैं? 2 जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट है उसमें कोई चेंजेस है क्या? नहीं। एम जो है कॉन्स्टेंट है वो भी तो उसने बहुत बताई दिया आपको, फिक्स मास है वो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन किसकी वजह से आएगा? सिर्फ और सिर्फ पी के चेंज की वजह से आएगा। जब हमने पी चेंज किया है उसके चेंज की वजह से ही बेसिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे। इस वजह से हमको बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है? पी स्क्वायर है, ठीक है। बाकी कॉन्स्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चीज कॉन्स्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हमारे कैलकुलेशन पे। अब सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में उसने जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है आपको, 5% से कम दी है, दिख रही है आपको? 3% का मतलब क्या है? 5% से कम है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम अपने एरर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंस दिस इज लेस देन 5%, देयरफॉर एरर फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। एरर फॉर्मूला कैन बी यूज्ड मतलब उस फॉर्मूला को हम यूज करके अपने कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो अब एरर फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो डेल्टा के ई बाई के ई क्या लिखना चाहिए हमें? 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे? डेल्टा पी बाई पी। सही लिख रहा हूँ मैं? लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? पी के पावर में कितना? 2। तो पी के पावर में 2 है, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी। अभी आपको जो सिखाया था, ए के पावर में अगर ए था तो 8 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई बाई हो रहा था, वैसे ही पी के पावर में 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी हो जाएगा। और डेल्टा पी बाई पी कितना है? 3% है ना। मोमेंटम का चेंज कितना किया था उसने? 3%। तो अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना आ गया? क्या लिखोगे इसको? 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे? 3%। एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 6%। दैट्स द आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट पे चले। सेकेंड पार्ट में उसने बोला 30% का चेंज किया है। इज 30% लेस देन 5%? नो। सो सिंस दिस इज ग्रेटर देन 5%, देयरफॉर एरर फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड। ये पहली बार कर रहा हूं इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे नहीं, ठीक है। एरर फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आप नॉर्मली कैसे कैलकुलेशन करते हैं? मान लो कि अभी क्लास आप 11 पे, जैसे एक पल के लिए सोचो 11 में नहीं आए हो, आप 10 पे हो। आपको कोई अगर परसेंटेज चेंज फाइंड करने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं? फाइनल वैल्यू निकालो, इनिशियल वैल्यू निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल कर दो, यही इससे फ्रैक्शन मिल जाता है। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा? परसेंटेज ही मिल जाएगा। एग्जैक्टली वही काम करना है। आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ भी मान लिया आपने, पी स्क्वायर बाई 2 m है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल सकता हूँ अगर मैं मोमेंटम के चेंजेस को उसमें इनकॉर्पोरेट कर दूँ, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया यहाँ पे पी स्क्वायर बाई 2 m है, ठीक है, आई राइट दिस। अब अगर मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2 m करना पड़ेगा। और फाइनल मोमेंटम है कितना? इनिशियल मोमेंटम प्लस 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 m। सही लिखा है क्या मैंने? देखो एक बार, सही लिखा है। 30% ऑफ इनिशियल मोमेंटम मतलब पी, वो कितना होगा? 0.3 p। 30 बाई 100, राइट, 0.3 into p, तो पी प्लस 0.3 p कितना हो गया? 1.3 p। 1.3 p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.69 p। पी स्क्वायर मतलब वो पी स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो जाएगा 1.69 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर बाई 2 m। और ध्यान से देखो, पी स्क्वायर बाई 2 m क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 1.69 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आप फाइनल माइनस इनिशियल बाई इनिशियल कर लीजिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा 69% का चेंज दिखेगा यहाँ पे। क्या आपको दिख रहा है? क्योंकि फाइनल वैल्यू इज 1.69 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 0.69 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। 1 तो पहले का ही है, तो 0.69 ही तो एक्स्ट्रा है ना वहां पे, तो कितना परसेंटेज का चेंज आया? 69%। अगर यही 1.35% होता, सपोज ये 1.35 टाइम्स ऑफ इनिशियल होता, तब क्या होता? 35%। अगर 1.29 टाइम्स ऑफ इनिशियल है तो क्या होता? 29%। 1 से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर आपको दिख रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग इट्स चेंज। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है। अगर कोई इसको एरर फॉर्मूला लगा के करता तो उसका आंसर क्या आता? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी बाई पी करो, 2 टाइम्स ऑफ 30% कितना आता? 60। जबकि एक्चुअल कितना है? 69। तो ऐसा ऑप्शन तो रहेगा ही, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो 60% का भी रहेगा। तुम तो खुशी खुशी मार के आओगे, वो खुशियों पे मतलब बोलते हैं ना, ग्रहण कब लगेगा? जब बाहर निकलोगे, सबके साथ डिस्कशन करोगे, फिर बोलोगे मैंने तो सिली मिस्टेक कर दिया। बट ये सिली मिस्टेक एक्चुअली है नहीं, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है इसमें, कि आपको एरर फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है।
एरर फॉर्मूला तभी लगाना है जब परसेंटेज चेंजेस क्या होंगे, 5% से कम के होते हैं। अगर आपके परसेंटेज चेंजेस 5% से ज्यादा के हैं तो आप एरर फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, तो उसको सिली मिस्टेक नहीं बोलेंगे, उसको ब्लंडर ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान पता चल गया आपको कि फाइनल कैंडिडेट एनर्जी मतलब जो परसेंटेज चेंज आपको निकालना था, डेल्टा के ई बाई के ई, आप इसको फॉर्मूला की तरह लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल डिवाइड बाई के ई इनिशियल, एंड ये आपका 0.69 आ रहा है फ्रैक्शन में, एंड देयरफॉर 69% बोलेंगे आप इसको। देखो सबको रिलेट हो रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो अगर रिलेट हो रही है आपको तो। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज फाउंड टू बी, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज फाउंड टू बी एल इज इक्वल टू 10.0 प्लस 0.1 मीटर्स, ब्रेथ इज इक्वल टू 5.0 प्लस, अच्छा प्लस माइनस लिखिएगा, ठीक है प्लस माइनस दोनों जगह पे लिखिएगा, प्लस सिर्फ लिखा है मैंने, प्लस माइनस लिखिएगा, 0.1 मीटर्स। फाइंड पहला मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ, इसके दो पार्ट है, पहला पेरीमीटर दूसरा एरिया, एंड सेकेंड पार्ट इज दी एब्सोल्यूट दी मैक्सिमम वैल्यू, लिखिए दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर, इन कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर। चलो जल्दी ट्राई करो देखो क्या रही है। देखो सबसे पहली चीज आपको तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहला तो परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, उसको पीछे वाले को दिख नहीं रहा, पीछे वाला कहाँ गया? हाँ आपको देखना है नहीं देखना है? हाँ क्योंकि आप देख नहीं रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, खड़े होने के बाद भी आप सीरियस नहीं हो रहे। सो पहले वाला पार्ट के लिए आपको पेरीमीटर के लिए कैलकुलेशन सारे करने हैं, तो पेरीमीटर का पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ होगा ना, राइट, लेंथ ब्रेथ, तो ये 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ आ जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछे डेल्टा पी क्या है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल चेंज आप सोचो ना ले रहे हो आप, तो डिफरेंशियल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशियल चेंज ऑफ एल प्लस डिफरेंशियल चेंज ऑफ बी, यही तो होगा। और अब आपको चाहिए डेल्टा पी बाई पी, क्योंकि फ्रैक्शन एरर निकालनी है आपको, परसेंटेज एरर वहां से भी मिल जाएगा, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और यहाँ से ये 2 2 गया और आपके पास आ गया डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी बाई एल प्लस बी। अब आप आराम से लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0 प्लस 5.0 विच इज 15.0 आ रही है, तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 2/150 और इनटू 100% में आप कर सकते हैं, परसेंटेज में निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेसिमल यहाँ पे हटा देते हैं, ये 2 ये 3 और ये हो गया आपके पास 4/3 मतलब 1.33%। सो 1.33% इज द करेक्ट आंसर। उसने सेकेंड पार्ट पे एक और चीज़ भी पूछी थी, सेकेंड पार्ट में उसने ये पूछा था, अच्छा ये फर्स्ट का पार्ट ए था, ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा पी का वैल्यू आपको कुछ चाहिए था, तो ये कितना था, 2 टाइम्स ऑफ कितना था डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, और ये कितनी आई है, 2 टाइम्स ऑफ 0.2, क्योंकि 0.1 प्लस 0.1 तो ये आ गया आपके पास 0.4 मीटर की आ जाएगी। सो 0.4 मीटर इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन दी पैरामीटर। फिर सेकेंड पार्ट पे आए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट पे आ रहे, ठीक है, अभी एरिया के लिए पूछा उसने, एरिया आपको पता है लेंथ और ब्रेथ की प्रोडक्ट होती है, तो प्रोडक्ट रूल आएगा यहाँ पे, तो डेल्टा ए बाई ए विल डायरेक्टली बी रिटन एज डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही लिखेंगे आप, आपको ए को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एल डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा एल ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर को यू नो फ्रैक्शनल एरर को ऐड करेंगे। अब ये वैल्यू कितनी थी, 0.1 डिवाइडेड बाई 10.0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 5.0, तो ये हो गई आपके पास 1/100 प्लस 1/50, ये फ्रैक्शन में है, और अगर परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1% एंड प्लस ये कितना होगा, 2%, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 3%, तो एरिया के कैलकुलेशन में जो मैक्सिमम एरर आएगी वो आपकी 3% की वैल्यू आएगी।
समझ आई सबको? आप प्रेजेंटेशन बस ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है? कुछ लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं बट प्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा है, तो वो चीज़ का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोलिए। तो आपको ये नहीं निकाला गया डेल्टा ए बाई ए, तो निकाल ही लिया आपने। ये कितना आया, 3% का आया है या फिर 0.03। अब इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। ठीक, ऑनलाइन में कोई कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है। सो इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ऑन अर्थ सरफेस इज गिवन बाय स्मॉल जी इज जी कैपिटल जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ एंड आर इट्स रेडियस। इफ द रेडियस श्रिंक्स बाय, इफ द रेडियस श्रिंक्स बाय, पहला नंबर वन 19%, नंबर टू 2%। समझ गए? लेकिन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन जी इन बोथ केसेस अज्यूमिंग मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मास रिमेन्स अनचेंज्ड। चलो जल्दी ट्राई करो, देखो क्या रही है। चलो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहली चीज तो ये है कि 19% है वो क्या है, 5% से बड़ा है, राइट? तो एरर फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए अगर किसी ने, अगर मान लो फर्स्ट पार्ट के लिए किसी ने ऐसा लिख लिया, देखा जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, और वो ये लिख लिया कि डेल जी बाई जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर। माइनस यूज करना है या नहीं करना है, करना है या नहीं करना है, माइनस यूज करना है या नहीं करना है, ये एरर का क्वेश्चन है या चेंज का क्वेश्चन है? चेंज, चेंज में हमेशा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी ने क्या किया, एक्साइटेड होकर 2 टाइम्स ऑफ, फिर यहाँ लिख दिया माइनस ऑफ 19% क्योंकि घटा है, और फिर ये लिख दिया 38% का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 5% से छोटा वैल्यू है होगा, तभी आप एरर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बड़े वैल्यू के लिए नहीं कर सकते। तो अब करना क्या है आपको, आप इनिशियल वैल्यू को मान लो कि ये जी है, ठीक है? लेट अस से इनिशियल वैल्यू जो है हमारे पास वो, उसको मैंने जी लिखा है, एंड दैट इज जी एम ओवर आर स्क्वायर है, ठीक है? अब फाइनल वैल्यू ऑफ जी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, जी एम बाई आर माइनस ऑफ 0.19 टाइम्स ऑफ आर एंड इसका स्क्वायर, करेक्ट है ना? ठीक है, तो 1 माइनस ऑफ 0.19 बिकम्स 0.81, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, दिस बिकम्स जी एम बाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, और यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है 0.81 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है? ठीक है, इसी को क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 100/81 एंड इसका स्क्वायर है, ऐसा सॉरी 81 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू 10^4 हो गया ये, और डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1 प्लस ऐसे लिखते हैं 80+1 एंड इसका स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं। डू यू सी वेर आई एम गोइंग, वेर एम आई गोइंग, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कैलकुलेशन से? सो ये वैल्यू हो जाएगी जी एम बाई आर स्क्वेयर इंटू 10^4 डिवाइडेड बाई 80 का स्क्वायर, आप बाहर निकल गया, परफेक्ट स्क्वायर है, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 1+1/80 एंड इसके पावर में 2, करेक्ट है ना? 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400, तो वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, जी एम बाई आर स्क्वेयर इंटू यहाँ पे 100/64 हो जाएगी, और यहां से फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1+1/80 टू द पावर -2,
अब तो आपको दिखना चाहिए वन प्लस एक्स टू द पावर एन का फॉर्म है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करें नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा जी एम, अच्छा जी एम बाई आर स्क्वायर को मैं स्मॉल जी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसी को हमने स्मॉल जी माना था, एंड दिस इज इनटू 100/64 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद 1 - 2/80। आप चेक कर लो एक बार अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कहीं पे, तो आई होप कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1/40 हो गया, तो 39/40 हो गया, तो दिस बिकम जी इंटू 100/64 इंटू 39/40 हो गया, ये डेसिमल यहाँ से चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास जी टाइम्स ऑफ 390/64, सॉरी 64। अब तो आप आराम से डेल जी बाई जी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, हाँ 64 × 4, हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इससे इसको अप्रोक्सीमेट करें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे पास, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा नहीं ठीक है, 390/64 × 4, सो दैट बिकम्स 256, है ना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे डेल जी बाई जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जी फाइनल विच इज 390/256 टाइम्स ऑफ जी माइनस ऑफ इनिशियल विच इज जी डिवाइडेड बाई जी, ये फ्रैक्शनल जी मिल गया। अब परसेंटेज में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बस 100 से मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स कितनी, 390 - 256, 390 - 256 कितनी होगी, 134, 134/256 एंड दिस मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट्स द आंसर, ये परसेंटेज में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट करके अगर इसकी आंसर निकालें, जैसे यू हैव टू रीच टू द नियरेस्ट वैल्यू, तो नियरेस्ट वैल्यू पे अगर पहुंचना है आपको तो ऐसा कर सकते हैं, 25 के मल्टीपल में ऑलमोस्ट देखो इसको, तो 25 का 4 टाइम्स ये हो जाएगा, और 25 का ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रहेगा, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन बट रफली मैं बोल रहा हूँ, और ये 134 × 3 ये कितना बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं लिख रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। कैसे पता चलता है कि ऐसा अप्रॉक्सीमेशन चलेगा या नहीं चलेगा, आप ये सोचो कि आपने कितने में कितने का एरर किया है, जैसे आई हैव अज्यूम्ड 256 एज अप्रॉक्सीमेटली 250, राइट, तो मैंने कितने का चेंज इसमें एक्सपेक्ट किया है, कितना, 6 का, तो परसेंटेज एरर मेरे कैलकुलेशन में इसकी वजह से कितना आना चाहिए, 6/250 × 100, ऐसा कुछ, आप देख के देखो इसकी वजह से कितना एरर आएगा, 4 यहाँ पे 10, तो ये 24/10 मतलब 2.4, मतलब इस यहाँ पे जो मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है ना, इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से मेरा जो फाइनल कैलकुलेशन होगा उसमें लगभग 2.5% का एरर है, लगभग, इसका मतलब मैं बहुत क्लोज टू ट्रू वैल्यू तो पहुंच ही जाऊंगा, आई विल रीच टू वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, इसलिए इस तरह के अप्रोक्सीमेशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ आपको हमेशा फैंसी कैलकुलेशन मिलेंगे एकदम आराम आराम से, जिसमें आप 2 नीचे में है ऊपर में 4 है, तो आप 2 और 4 को काट रहे हैं, खुशी खुशी 2 लिख रहे हैं, वो कैलकुलेशन के दिन गए, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिखेंगे जहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन करना ही करना पड़ेगा, तो मैंने वो अप्रोक्सीमेशन को ही किया है। फिर यहाँ पे 13 × 4 हो जाएगा 52, मतलब 520, फिर 4 × 4 = 16, तो ये होगा 4, 5, 36, 5/36/10, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 53.6%, मतलब लगभग 54% के आसपास का जो भी वैल्यू होगा वो, अच्छा नहीं, इसमें ये भी बता सकते हैं कि मेरा एक्चुअल आंसर जो है 53.46 से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, ये न्यूमरे यहाँ का डिनोमिनेटर चेक करो, 256 था, मैंने इसको कितना माना, 250 माना है, मतलब मैंने डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, तो वैल्यू बड़ी आ गई मेरी, तो फाइनल आंसर इसे क्या होना चाहिए था, थोड़ा छोटा होना चाहिए था, तो इससे छोटा जो भी वैल्यू होता और नियरेस्ट टू इट होता वो क्या होता, मेरा आंसर होता, जैसे अगर मान लो कि ऑप्शन में आपको 55% भी दिख रहा है और 52% भी दिख रहा है, तो कौन सा आंसर होता, 52 ही करेक्ट होता, 55 नहीं हो सकता था, आई बात समझ में आपको, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन तो करने ही पड़ेंगे अगर आप सही तरीके से सही टाइम पे करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करते तो यहाँ पे बस यहीं पे ही आपको 81 का स्क्वायर पहले कैलकुलेट करके निकालना पड़ता, फिर आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते, उससे भी वही आंसर आता, आप चेक कर लेना बाद में घर पे, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट में फिर से वापस से जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, और सिंस यहाँ पे क्या है 5% से कम का है तो हम यूज कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, डेल जी बाई जी, इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर एंड दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ 2 × कितना परसेंट दिया था मैं भूल गया, मैंने 2% दिया है, ठीक है, तो 2 × -2 × -2% एंड देयरफॉर दिस बिकम्स +4%, +4% का मतलब वैल्यू बढ़ी है घटी है, बढ़ी है, तो 4% से वैल्यू बढ़ जाएगी। जितने लोग ऑनलाइन में एक बार देख लो आपको सारी बातें समझ आ रही है, जितने लोग ऑनलाइन में सबको क्लियर है, हाँ सर,
ठीक है, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार आप समझ पा रहे हैं नहीं, लेट्स सी, ट्राई करो। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लीज हाथ तेज चलाइए, स्क्रीन को मत देखिए, मेरे डिक्टेशन को सुनिए और हाथ चलाते रहिए, ठीक है? डिक्टेशन सुनने की एबिलिटी बढ़ाइए सभी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज टू बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बाय अलाउइंग एन ऑब्जेक्ट टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज मेजर्ड एज S इक्वल टू 5.00 प्लस माइनस ऑफ 0.01 मीटर्स इज मेजर्ड एज द टाइम टेकन इज मेजर्ड यूजिंग अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 seconds एंड इट मेजर्ड 1.00 seconds। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी। चलो जल्दी देखो क्या आ रही है, ट्राई करो, देखो चेक करो। सबसे पहले फिर से वापस से बता रहा हूँ आपको, आपको सबसे पहला चीज़ है आपको रिलेशंस लिखना है, क्या रिलेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एडिशन रूल आ रही है वहाँ पे या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल आ रही है, क्योंकि एडिशन रूल अलग है और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रूल अलग है। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, एस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर होगा, होगा ना, राइट। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग करना है, क्योंकि हम ये कैलकुलेट किसको करना है, जी को, किसके हेल्प से कैलकुलेट करना है, एस ओ टी के हेल्प से। तो आप पहले जी को एलएचएस में लेके चले जाओ और एस ओ टी को आप आरएचएस में लेके आओ, तो आपके पास जी की रिलेशन जो देखोगे तो जी की वैल्यू क्या दिखेगी आपको, 2s/t² आएगी, करेक्ट है ना, ठीक है। अब ये तो दिख ही रहा है आपको कि ये मल्टीप्लीकेशन रूल है ना, मल्टीप्लीकेशन डिविजन वाला रूल आएगा यहाँ पे। अगर मैं पहले तो जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितनी आएगी, 2 times of s, एस की वैल्यू कितनी दी हुई थी उन्होंने, 5, और टाइम का स्क्वायर कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, राइट, है ना, वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो 10 m/s² का वैल्यू है। कुछ लोगों ने मतलब एक लड़के ने 9.8 लेके कैलकुलेशन किया, वो अपने इमेजिनरी वैल्यूज यूज कर रहा है क्योंकि उसको पता है 9.8 तो हमारे एग्जिस्ट करता है, बट डेटा आपको वही यूज करना है जो क्वेश्चन का दिया हुआ है। अब हम एरर फॉर्मूला लगाएंगे, इस 2 में कोई एरर है क्या, इज देयर एनी एरर इन 2, नहीं, 2 तो एक न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, उसमें कोई एरर नहीं है। तो जब आप डेल जी बाई जी लिखोगे तो उस 2 का कोई काम नहीं है, आप डेल जी बाई जी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, मतलब डेल एस बाई एस एंड प्लस 2 times of del t/t, प्लस यूज करना है माइनस यूज करना है, प्लस, क्यों, एरर, एरर के क्वेश्चन में कभी हम सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस होगा और ये power 2 था तो ये 2 इधर आ गया, ठीक है। ये 2 का कोई यूसेज नहीं है, दिस 2 has no usage, क्यों, क्योंकि अगर कोई लिखता भी उसको तो उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, तो क्या लिखोगे, delta 2/2, यही तो लिखोगे ना, और 2 में तो कोई एरर है नहीं, तो इसलिए वो वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 ही आने वाली है। तो ये 2 का कोई यूसेज नहीं है एज फार एज डेल्टा जी बाई जी इज कंसर्न, ठीक है। अब वैल्यू को सब्सिट्यूट करें, यह 0.01/5.00 प्लस 2 times of 0.01/1.00, दैट बिकम्स 1/500 प्लस 2/100 हो गई है। तो यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं आप, 500 का एलसीएम ले लें, ये हो गया 1 प्लस कितना हो गया, 10, मतलब 11/500 हो गई है, करेक्ट है ना। अब डेल जी बाई जी निकाल लिया हमने, तो डेल जी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 11/500 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद जी, तो कितनी आ गई, 11/50, यही आ रही है ना, आ रही नहीं आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना तो दिख ही रहा है कि अगर 10 होता, अगर 10 होता तो कितनी वैल्यू आती, अगर ये 10 होता, ये 10 होता न्यूमरेटर में तो 0.2 आता, 0.2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, तो 4 ऑप्शन में से एक दिख जाएगा, वहां टिक करेंगे आंसर निकल जाएंगे, ठीक है।
इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपकी 0.22, नहीं अप्रॉक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट ही आ जाएगी ये, तो एग्जैक्ट आ जाएगा ये 0.22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। आप देखो, ध्यान से देखो और फिर सीखो कि कैसे करना है। हर बार मैं ही करूंगा फिर नहीं होगा ना। आप देखो कि पहले तो रिलेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इतने सारे आपको क्वेश्चन दिखाए, हर बार क्या कर रहे हैं, पहले रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं कि रिलेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम एरर फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ जी का जी का वैल्यू, ये अगर रिलेशन है तो इसके बाद क्या आएगा जी का वैल्यू, तुम ही बताओ। वैल्यू एक ही बार, तो एक एक ही बार तो है ये, तो एक ही बार ही तो है ठीक है, 2-3 बार का तो नहीं है, एक ही बार तो है। मुझे समझ नहीं आ रहा डाउट क्या है तुम्हारा। डाउट होगा तब तो क्या डाउट है, एक बार समझाओ। ठीक बार। है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इस बार एटलीस्ट लास्ट इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद से देखना अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट लिखो, प्लीज बात नहीं करिए आपस में, क्वेश्चन लिखे क्या बात करोगे, तुम्हें कान पकड़ के खड़े होना है। लिखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज बींग कैलकुलेटेड विथ द हेल्प ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, विथ द हेल्प ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज नोन टू बी, फॉर्मूला लिखिए टी इक्वल टू 2π√ L/g, वेयर एल इज लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम विच वॉज मेजर्ड यूजिंग अ स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर एंड The length was measured as, and the length was measured as 100 centimeter. फुल स्टॉप देखिए, लिखे ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉप वॉच द पर्सन मेजर टाइम टेकन फॉर 40 ऑसिलेशंस एज 80 सेकेंड्स, 40 ऑसिलेशंस एज 80 सेकेंड्स यूजिंग हिज रिस्ट वॉच, यूजिंग हिज रिस्ट वॉच फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी। चलो एक सिमिलर सा क्वेश्चन दिया, इस बार इसको खुद से एग्जीक्यूट करो। देखो ये कंसेप्चुअल पार्ट है एक्चुअली। सबसे पहली चीज तो आपको ये करना है, पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अलग करना है। आपके पास फॉर्मूला है टाइम का, तो टाइम का स्क्वायर कर लो। टाइम का स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 4π² इंटू L/g। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्क्वायर करना पड़ेगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अलग करने के लिए। तो अब आपके पास जी की वैल्यू कितनी आ गई, प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, L/t² आ रही है ना। तो अब डेल जी बाई जी क्या लिखेंगे हम, डेल जी बाई जी दैट विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल L/L माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल T/t। माइनस लिखना है प्लस लिखना है, प्लस राइट, क्योंकि किसका क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है राइट, तो माइनस नहीं करना है प्लस करना है ठीक है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेंथ के एरर, लेंथ में कितने का एरर है, 1 सेकेंड का, सॉरी 1 सेंटीमीटर का, और लेंथ कितना मेजर किया उसने, 100 सेंटीमीटर्स। जो एक लड़का पूछ रहा था यूनिट क्या यूज करना है, उसे क्या फर्क पड़ता है, न्यूमरेटर में यूनिट है डिनोमिनेटर में यूनिट है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, आपका रेशियो लोगे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस अब Δt/t की वैल्यू लिखते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ Δt, तो ठीक है उसने लिखा 1 सेकेंड का,
और टाइम पीरियड को वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सेकंड लिख दे रहे हैं। अब यहीं पे मिस्टेक हो जा रही है, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है ये। क्या मिस्टेक है मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आप ये सोचो कि कैपिटल टी इज नॉट सेम एज द टाइम मेजर्ड। उसने जो टाइम मेजर किया, क्या टाइम पीरियड का मेजर किया है? नहीं, उन्हें क्या उसने क्या किया है, 40 ऑसिलेशन होने दिए, जबकि टाइम पीरियड तो 1 ऑसिलेशन का होता है, राइट? तो उसने 40 ऑसिलेशन होने क्यों दिए, मतलब एक बार में क्यों नहीं किया उसने? ये तो एक बार में भी कर सकता था ना। जैसे अगर मैंने पेंडुलम बॉब को ऐसे स्विंग किया देन छोड़ दिया, तो वो इधर से इधर जाता, फिर वापस इधर से इधर आता, और मेरे पास आराम से 2 सेकंड मिल जाता मुझे टाइम पीरियड। बट अगर मैंने वो मेजर किया होता तो द मेजर्ड टाइम वुड हैव बीन 2 सेकंड्स, लीस्ट काउंट वुड स्टिल बी 1 सेकंड। तो एरर ऑफ 1 सेकंड कितने सेकंड में आता? 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड के मेजरमेंट में 1 सेकंड का एरर आ जाता। तो परसेंटेज एरर आप देख रहे हो कितना हाई है, 50% है, राइट? बट द मोमेंट आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द टाइम ऑल्सो इंक्रीज, राइट? तो आई मेजर्ड 80 सेकेंड्स, और 80 सेकेंड्स के लिए भी अभी भी मेरा लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेकेंड। तो अब मेरे लिए वो मेजर्ड टाइम में परसेंटेज एरर कितने की है, 1/80 × 100, राइट? विच इज 1.25% हार्डली, राइट? तो इसका मतलब सिर्फ 1.25% का एरर आया, मतलब उसी घड़ी से मेजरमेंट करने पे, टाइम की वजह से मैं कह रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ज्यादा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो टोटल टाइम मेजर्ड है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और लीस्ट काउंट वही है, इस वजह से डेल्टी बाई टी की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। समझ आ रही है? इस वजह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या किया उसने, ज्यादा किए हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी आप ज्यादा करोगे तो आपका रैंडम एरर घटता है, रिमेंबर रिमेंबर। इसीलिए तो 40 ऑसिलेशन करने दिए उसने उसको, अगर एक बार में करता तो एरर बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हो जाता। तो अब करना क्या होगा आपको, करेक्ट सोल्यूशन का तरीका क्या होगा? सोल्यूशन का तरीका ये होगा कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि 80 सेकंड्स में आपने 1 सेकंड का एरर किया है, बट डेल्टी बाई टी में टी इज द टाइम पीरियड, तो आपको डेल्टी भी क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड मतलब 1 ऑसिलेशन में कितना एरर प्रोपेगेट हुआ है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, व्हाट यू कैन डू इज पहले आप ये लॉजिकली लिखो कि हमने 80 सेकेंड्स का मेजरमेंट किया, ठीक है, 80 सेकेंड्स का मेजरमेंट है, और इसमें इसमें 1 सेकेंड का एरर है। आई बात समझ में? सो देयरफॉर अगर मैं 2 सेकेंड्स का मेजरमेंट करता तो इसमें कितने का एरर आता, 1/80 × 2, करेक्ट है? आई होप आपको बात समझ आ रही है, 2 सेकेंड्स का एरर आएगा। आई बात समझ में? 1/80 × 2 सेकेंड्स का एरर है। सो नाउ दिस इज डेल्टा टी फॉर यू, यही वाली टर्म आपकी क्या है, डेल्टा टी है। 40 ऑसिलेशन को 80 सेकेंड्स लगा तो 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकेंड्स हो गया। अब आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो ये वाली जो वैल्यू है अब आप क्या लिखोगे, ये स्टेप तो आपका गलत हो गया, मैं इस स्टेप में चल रहा हूँ। डेल बाई एल तो 1/100 ही होगा, एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ अब डेल्टी, डेल्टी कितना है, 1/80 × 2 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, 2। सही लिखा है मैंने? एक इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, यहां का 2 और यहां का 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, 1/80। मतलब यूनिटरी मेथड लगाते वक्त तुम देखो यहां पे जो भी फैक्टर था वो यहां पे आ रहा है ना, राइट? और वही फैक्टर से आप यहां पे डिवाइड भी कर दे रहे हो, इसलिए ये दोनों टर्म हमेशा ही कटेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड है और जो फ्रैक्शनल एरर इन मेजर्ड टाइम है, वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब डेल्टी बाई टी, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं रिजल्ट की तरह, तो डेल्टी बाई टी इज एक्चुअली इक्वल टू डेल ऑफ स्मॉल टी बाई स्मॉल टी। क्या आपको बात समझ आ रही है, समझ आ रही है? स्मॉल टी किसको बोल रहा हूँ मैं, मेजर टाइम को बोल रहा हूँ। मेजर टाइम कितना था मेरा, 80 सेकेंड्स, और जो लीस्ट काउंट एरर था वो कितने का था, 1 सेकेंड। तो डेल्टी बाई टी कितना हो गया, 1 सेकेंड/80 सेकेंड्स। और यही अगर आपने कैलकुलेट कर दिया, उसने एक्चुअली वही किया था, बिना सोचे ये वाले पार्ट को कर दिया था, मतलब उसने एक्चुअली 1/80 लिखा था सही से, बट इतना सोचा नहीं था कि बेसिकली ये टाइम पीरियड का नहीं, वो टाइम का एरर उसने कैलकुलेट किया है। क्या आपको बात समझ आई सबको, ठीक है? अब तो आपको आंसर पता चली गया, ये आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, सो ये हो गया आपके पास। अगर परसेंटेज में लिखे तो ये 1% है, एंड प्लस यहाँ पे अगर लिखे तो ये 1/40 मतलब 2.5% है, तो ये 3.5% आ जाएगा। क्या यही आ रहा है, बट लॉजिक की बात कर रहा हूँ ना, लॉजिक आपने इतना सोच के किया था? हाँ क्या था फिर? हाँ ठीक है, अच्छी बात, सोच के करो तो बहुत अच्छी बात है। देखो यू नो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाई जा रही है, फिर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर पा रहे तो बहुत अच्छी बात है ना।
अभी पूरे क्लास में, अभी आने के बाद आप तीनों को ही खड़े रखेंगे, आप तीनों को ही बोल रहा हूँ, पीछे भी सेकंड लास्ट बेंच में जो लोग खड़े बैठे हुए, अभी आने दो, फिर अभी वापस से भी ब्रेक देता हूँ 10 मिनट का, 10 मिनट एंजॉय कर लो, फिर आके सबसे पहला काम करूंगा तुम तीनों को खड़ा करूंगा फिर, तो 10 मिनट का ब्रेक ले रहे, फिर वापस से रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि काफी लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको ये डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि ये जो 80 सेकेंड्स उसने दे रखा है कहाँ गया, दिस 80 सेकेंड्स दिस इज मेजर्ड टाइम एंड नॉट द टाइम पीरियड। ये सबसे पहली चीज है जो आपको रियलाइज करने की जरूरत है। तो अगर मेजर्ड टाइम को आप टाइम पीरियड के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, दिस स्मॉल टी, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, दिस इज स्मॉल टी विच इज मेजर्ड टाइम दैट इज 40 टाइम्स ऑफ द टाइम पीरियड, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 40 ऑसिलेशन हुआ है, एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड को अगर हम कैपिटल टी कह रहे हैं तो फिर ये टी और ये टी तो सेम नहीं हुआ, राइट? तो अगर मुझे डेल्टा टी लेनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, 40 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी लिखना पड़ेगा। डू यू सी, यहीं पे ही प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि टाइम पीरियड में जो एरर आएगा और जो मेजर टाइम का एरर है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। तो अभी अगर डेल्टा टी निकालनी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी बाई 40 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी थी आपकी, डेल्टा टी कितना था आपका, 1 सेकेंड का था, राइट? है ना? और यहाँ पे आपका 40 ऑसिलेशन है, तो ये 40 आया। इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता था, यहाँ पे आप 2/80 भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे। ये इसको जब इंटरप्रेट करोगे तो कैसे इंटरप्रेट करोगे आप यहाँ पे, अब ये कहाँ गया, ये है 2/80। अब अगर आपको डेल्टा टी बाई टी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2/80 एंड डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, करेक्ट है? ये 2 और ये 2 कट गया, बचा क्या आपके पास, वैल्यू 1/80 आ गई है, दैट इज वॉट यूर डूइंग। यहाँ से भी देखोगे तो एग्जैक्टली यही करेंगे, अगर मैं डेल्टा टी बाई टी करूँ तो 40 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई 40 टी है या नहीं है, ये 40 और ये 40 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या आपके पास, डेल्टा टी बाई टी माने स्मॉल टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी कैपिटल टी, दैट्स इट। तो फ्रैक्शनल एरर जो आपका टाइम पीरियड का है और फ्रैक्शनल एरर जो आपका मेजर टाइम का है, ये दोनों सेम ही होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको अगर ये पूछते क्वेश्चन में कि हाँ बताओ कि एक टाइम पीरियड के मेजरमेंट में कितना एरर आया, तो ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ता कि भाई 80 सेकेंड्स में मैंने 1 सेकंड का एरर किया तो 2 सेकंड में कितना एरर होगा, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। तो वो ये वाला कैलकुलेशन बेसिकली यहाँ पे वही किया हुआ है मैंने, मैंने देखा कि 80 सेकेंड्स में 1 सेकंड का एरर है तो फिर 2 सेकेंड्स में कितने का एरर होगा, ये मैंने कैलकुलेट किया, और एक बार डेल्टा टी मिल गया तो फिर तो डेल्टा टी बाई टी आराम से निकल सकते, क्योंकि टाइम पीरियड 2 ही सेकेंड तो है यार, कैसे कैसी बात कर रहे हो, ये कैपिटल टी का सिग्निफिकेंस बार बार ही तो बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड है। और 40 ऑसिलेशंस टेक्स 80 सेकेंड्स, देयरफॉर 1 ऑसिलेशन टेक्स 2 सेकेंड्स, देयरफॉर टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। ये तो कॉमन सेंस है ना, अभी 40 ऑसिलेशन का दे दिया टाइम, तो 1 सेकंड का टाइम कितना होगा, एक से एक एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है? क्लियर है आपको भी, समझ आ गया? ठीक ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डेटा ज्यादा है, मेरे को डेटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, देख के बहुत सारे डेटाज हैं इसमें, ठीक है? इन एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन जी, डिटरमाइन जी द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड वॉज यूज, कैपिटल टी इक्वल टू 2π रूट अंडर ऑफ 7 टाइम्स ऑफ आर माइनस आर डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ जी, वेयर कैपिटल आर इक्वल टू 6 ± 1 mm, स्मॉल आर इक्वल टू 10 ± 1 mm, एंड और एक चीज दी हुई है, हाँ द टाइम पीरियड वॉज फाउंड टू बी, द टाइम पीरियड वॉज फाउंड टू बी 0.52 सेकेंड्स
0.56 सेकेंड्स, 0.57 सेकेंड्स, 0.54 सेकेंड्स, 0.59 सेकेंड्स इन 5 ऑब्जर्वेशंस। आइडेंटिफाई दी फॉल्स स्टेटमेंट्स। चार स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। पहला, एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर इज 10%। नंबर टू, एरर इन मेजरमेंट ऑफ कैपिटल टी इज 3.57%। नंबर थ्री, एरर इन मेजरमेंट ऑफ कैपिटल आर इज 10%। नंबर फोर, एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज 11%। मैं करता हूँ, आप देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, अभी इस पर नया नया कर रहे हैं आप, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सेवन टाइम्स ऑफ आर माइनस आर बाई 5 जी, ठीक है। ओके, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहली चीज तो उसने हमें क्या आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो ये चीजों का ध्यान रखो कि क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है। वो पार्टी मिस कर गए तो फिर तो ऑब्वियसली सब उल्टा पुल्टा आंसर करके आओगे। तो हमें गलत चीजें कौन सी है वो निकालनी है, सही चीजें कौन सी है ये नहीं निकालनी है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उसने बोला है एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर। तो अगर मैं डेल्टा आर बाई आर निकालू डेटा से, देखो क्या है वैल्यू, 1/10 है ना, ये 1/10 किस में है, फ्रैक्शन में है। अगर परसेंटेज में लिखेंगे कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 10%, राइट। फर्स्ट ऑप्शन में एग्जैक्टली यही बोला है उसने, तो इसको टिक करें या नहीं टिक करें, नहीं टिक करें, क्योंकि उसने क्या पूछा हमसे, फॉल्स। सो दिस इज सर्टेनली अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसलिए ये फॉल्स तो नहीं है, तो इसलिए ये वाला आंसर हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट टू बी टिक। सेकेंड ऑप्शन चले, अच्छा पहले थर्ड पे ऑप्शन ऑप्शन पे चले जाते हैं। टाइम तो डिपेंडेंट है तो इसको अलग से कर लेंगे, मेहनत है थोड़ा। तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल आर बाई आर, कैपिटल आर कर रहे हैं, वैल्यू कितनी आएगी, 1/6। क्या ये 10% है, नहीं, कितनी आ रही है, 16.67%, राइट, है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 16.67% आएगा। और यहाँ पे उसने बोल रखा है 10% है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, और फॉल्स है मतलब इसको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड पे आते हैं, टाइम पीरियड पे एरर निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन रीडिंग्स का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू लेंगे तो हमें उसको ही हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे, और फिर उसके बाद फिर इंडिविजुअली हर एक रीडिंग में कितनी कितनी एरर आई है वो निकाल के हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, और फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, थोड़ा सा मेहनत का काम है यहाँ पे। तो एक एक करके निकालते हैं, पहले हम रीडिंग ले लेते हैं। तो टी की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी समेशन ऑफ टी आई डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि कितने रीडिंग है हमारे पास, 5 रीडिंग है, इसलिए 5 से डिवाइड किया, ठीक है। वैल्यू कितनी है देख लें एक बार, 5 5 5 5 5, मतलब ये तो 2.5 हो गया, और यहाँ है 7 4 11 11 9 20, 20 और 6 26 28, मतलब 2.78 आ गया। तो ये वैल्यू हो गई 2.78 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो हो गया आपके पास 0.5 0.5255 एंड देन 6, यही आ रही ना, 5 फिर 2 7 2 8, तो 5 5 20 5 30, हाँ 6, ठीक है, ये सेकेंड्स में आ गई है। क्या इसको 3 डेसिमल प्लेस पे हम रख सकते हैं, क्या 3 डेसिमल प्लेस में इसको रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमारी जो रीडिंग हो रही है वो सारे देखो कितने रीडिंग में हो रही है, कितने डेसिमल प्लेस में हो रही है, 2 डेसिमल प्लेस में, तो फाइनल तो आप उसमें उस पे ही राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना आपको, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट आएगा। आपको जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 6 है, वो तो 5 से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रीवियस को इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को कितनी लिखेंगे आप, 0.56 सेकेंड्स, मतलब ये हो गई आपकी मीन टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमें डेल्टा टी निकालनी है, डेल्टा टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ डेल्टा टी आई बाई 5 करना पड़ेगा, मतलब इंडिविजुअली एक एक में कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो फाइंड करिए, उसका डिवाइड बाई 5 करिए। तो पहला रीडिंग में चेक करें कितना है, पहला रीडिंग है 0.57 का, ठीक है, 0.57 और 0.56 का डिफरेंस कितना है, 0.01 का, प्लस फिर 0.54 और 0.56 का 0.02, फिर
0.59 और 0.56, मतलब 0.03। अच्छा ये लास्ट का तीन ले लिया मैंने, अब ये पहला दो लिख रहा हूँ ठीक है। तो फिर आएगा 0.04 एंड फिर आएगा 0.0, ये तो 0.00 ही रह जाएगा, 0.00 एंड फिर डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। यहाँ से हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 4 3 7, तो 9 1 10, 10। अच्छा ठीक है, तो 0.02 ही आ गई है ठीक है। तो दिस इज 0.02 सेकेंड्स आ गई है। अब आप डेल टी बाई टी निकाल सकते हैं, सो डेल टी बाई टी ये वैल्यू आ रही है आपके पास 2/56 आ रही है। फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो परसेंटेज में आएगा। ये 2 आपका इधर 28 से चला गया, 7 4 7 से चला जाएगा, और यहाँ 25 से चला जाएगा। 7 3 21, 4 आएगा, 7 5 35, 5 7 49, एकदम एग्जैक्टली 3.57% आ रहा है। 3.57% देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 3.57% ही दिया है, तो ये तो ट्रू हो गया ना, बट उसने पूछा क्या हमसे फॉल्स, तो इसको टिक करना है या नहीं टिक करना है, नहीं टिक करना है, तो दिस इज नॉट टू बी टिक्ड ठीक है, ये टिक नहीं करेंगे। देखो ये लड़की को इतना समझा रहा हूँ फिर भी ये टिक करके निकल रही है, देखो आपने टिक किया तो एक तो टिक किया, बाद में बोलने के बाद। एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी, अब जी के लिए कैलकुलेशंस करते हैं ठीक है। अब पहले तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग करना पड़ेगा राइट। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जी के वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, यही है ना, 7 5 2 पाई, ये सब तो बकवास है राइट, हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हम जहाँ पे फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करनी है उसमें वो कॉन्स्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कौन सा रूल लगेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला या फिर मल्टीप्लीकेशन डिविजन वाला, कौन सा रोल लगेगा, दोनों ही लगेगा इनफैक्ट, क्योंकि आर माइनस आर भी तो है वहां पे राइट। तो वहां पे आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला रूल लगेगा, और आर माइनस आर बाई टी स्क्वायर है तो वहां पे डिविजन वाला रूल भी लगेगा। तो अभी हमें फॉर्मूला यूज करनी, तो कैसे यूज करेंगे, डेल जी बाई जी दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज डेल ऑफ आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर माइनस आर एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी हो जाएगा, दैट्स इट। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो ये डेल ऑफ आर प्लस डेल ऑफ आर हो जाएगा। आई होप आपको याद है कि जब डिफरेंस लेते हैं तो एरर ऐड हो जाता है ना, एंड डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको, आर माइनस आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 mm का एरर था दोनों में ही, तो 1 + 1 बिकम्स 2 mm, और डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा आपके पास 10 - 6, 6 था ना शायद, हाँ 10 - 6 मतलब 4 mm आ जाएगा, तो दिस इज 4 mm। ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी, ये तो आपने ऑलरेडी निकाला था कितना था, 3.5% था राइट, 5 7% था। अगर आप ये देखोगे तो ये ऑलरेडी आपका 50% है, कैन यू सी दैट, है ना, 1/2 आ रहा है ना, 1/2 मतलब हाफ है फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में कितना हो, 50% है। और इधर पे कितनी आ रही है आपके पास, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, डबल कर दें तो कितना जाएगा, 6 7 7.14, तो कितना हो गया, 57.14% का एरर आ रहा है, और उसने बोला कितना था 11, तो हमें टिक करना है या नहीं करना है, उसे करना है क्योंकि उसने फॉल्स पूछा था, तो इसलिए करना है उसको ठीक है, समझ आई सबको, क्या कुछ पूछ रहे बोलिए, तो जोर बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, 10T टेन क्या, टेन डेल टी, ये इसकी बात कर रहे, ये सब की बात कर रहे हैं आप, एब्सोल्यूट एरर आपको याद है, लास्ट क्लास में पढ़ा है आपने, क्या कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, सारे वो तो ये आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम, इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, डेल्टा T1 डेल्टा T2। अरे रीडिंग्स जो आती है बाबा, भूल आप लोग जब पढ़ के नहीं आओगे तो यही हाल होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके फिजिक्स या तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, सबकी बात कर रहा हूँ, फिजिक्स या तो आपको बहुत पसंद आता है या तो बहुत ज्यादा दूर भागते हैं आप फिजिक्स से, बीच का रास्ता कभी नहीं होता, फिजिक्स किसी को बीच का नहीं लगता कभी भी, या तो आपको बहुत अच्छा लगेगा या बहुत बुरा लगेगा, और ये टोटली आपके एटीट्यूड पर डिपेंडेंट होगा। आप अगर पिछले क्लासेस को पढ़ के आएंगे और उसके बाद क्लास में अपडेटेड रहेंगे तब आपको बहुत मजा आने वाला है, आप सब चीज रिलेट कर पाएंगे, बट आपके पिछले क्लासेस का सब वाइप आउट हो चुका है, रात को निगला सुबह उगला वो वाला हाल है, तो आपको बिल्कुल फिजिक्स से गंदा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लग सकता है। तो आप कम से कम जब क्लास में आते हैं एक बार अपडेटेड होकर आइए कि क्लास में जो चीज़ें पढ़ा रखे हैं करंट टॉपिक्स एटलीस्ट आप सारी चीज़ें जानते हैं,
एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका ये होता है कि आप इंडिविजुअल रीडिंग से जो ट्रू वैल्यू होती है उसको सब्ट्रैक्ट करके मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। पढ़ लिख के आएंगे नहीं फिर अभी सोचेंगे क्या क्यों नहीं समझ आ रहा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि समझ नहीं आ रहा है और अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमें भी ये काम करना था। ये देखो एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग ए माइनस ऑफ डेल्टा ए वन का मॉड, सेकेंड रीडिंग ए माइनस डेल्टा ए टू का मॉड, थर्ड रीडिंग ए माइनस डेल्टा एन का मॉड, सब एक एक करके यही निकालते हैं। वही चीज मैंने किया था वहां पे। अभी तो आपकी पिटाई नहीं पड़ती है, अभी मैं मारना शुरू नहीं किया क्योंकि आपके नए नए हैं ना, इसलिए नए नए आते तो पिटाई नहीं पड़ती है ना। बट आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा जो यहाँ पे पढ़ते हैं उनको पे ये वो आपको बताएंगे कि हाँ बीवी सर मारते भी हैं। अभी मारूंगा तो फिर बेकार में तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे, तुम्हें लगे यार ये तो पिटाई कर रहे हैं टीचर, भागते हैं यहाँ से, भाग लेते हैं यहाँ से। बट अभी थोड़ा कम्फर्ट जोन में आते देते हैं आपको, आप आइए थोड़े कम्फर्ट जोन में, उसके बाद आपकी पिटाई भी करेंगे। जब आप ये नहीं पढ़ के आएंगे तब तो आपकी पिटाई होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अभी कोई बोल नहीं रहा है, पहले सच में मार देगा तो अभी ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी डायमेंशन एनालिसिस पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखाए जो आप अभी तक थ्योरी में पढ़ चुका है, अब आपको कुछ टिपिकल एग्जांपल्स दिखाते हैं। टिपिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ना तो मल्टीप्लिकेशन ना तो डिवीजन रूल में जाएगा, ना तो एडिशन ना तो सब्सट्रैक्शन रूल में जाएगा, इसलिए इसको टिपिकल एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ठीक है, आप टिपिकल एग्जाम्पल्स बोल के लिख लीजिए ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये अलग तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एरर एनालिसिस। सबसे पहला मैं आपको ये दिखा रहा हूं, मान लो आपके पास फॉर्मूला ऐसा है, 1/y इज 1/a + 1/b, इस तरह का फॉर्म का है। ऐसा फॉर्मूला आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा फॉर्मूला आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, लाइट में देखने को मिलता है। ये सही कह रहे हैं, मिरर के फॉर्मूला है ना, मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। लेंस का ये फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है, आप एक सर्टेन जगह पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका एक सर्टेन जगह पे आपको इमेज मिल जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। आप सोचो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप मेजर करके निकाल रहे हो, इमेज डिस्टेंस को भी आप मेजर करके निकाल रहे हो, तो उनके मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो एरर आएगी और वो एरर आप क्या होगा फोकल लेंथ के कैलकुलेशन में प्रोपेगेट कर जाएगी। तो इस तरह का कैलकुलेशन और कहीं पे नहीं देखा ऐसा फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है आपने, 1/r = 1/r1 + 1/r2, इसीलिए कह रहा हूँ ना आप सब फ्लंक करके आए हो, 10th पास नहीं किया ढंग से आप लोगों ने। वो जो 90% दिखती है ना वो थोड़ी सी झूठी सी है, वो बस आपके पेरेंट्स के पास रखने के लिए, मेरा पे बच्चा बहुत अच्छा वही है, मेरा बच्चा टॉपर मेरे स्कूल का अच्छा। बट ये तो आपको भी पता है आपकी कितनी औकात है, पता है ना, एटलीस्ट सब तो पता चल रही होगी आपको कि आपकी औकात कितनी है। तो बट ठीक है, अभी औकात जितनी है वो पास्ट है आपका, आगे वही औकात रखना चाहते हैं वो आपका एटीट्यूड होगा, तो आपकी एटीट्यूड को बस थोड़ा सा सुधारना और मेहनत करना और कुछ नहीं है। आप क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही, यू नो, 20 साल पहले मैं भी था, 20-22 साल पहले मैं भी आपके जैसा ही था, जहाँ पे मैं अपने आप को बहुत तोप समझता था, मैंने आपको बताया ये बात। बट तोप समझना मैं खुद को, और उसके बाद फिर जब ये ग्राउंड रियलिटी फेस कर लो आपकी, हाँ भाई हम तोप नहीं है, तो फिर तो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो मेहनत करना पड़ेगा, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, तो बस मेहनत करना ही एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। पर ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो दो एग्जांपल आपको दिखाई दिए कि एक तो फोकल लेंथ वाले, एक यू नो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाले, या फिर और कहीं भी वो हाइपोथेटिकली भी कोई आपको एक क्वेश्चन दे दे जिसमें ये रिलेशन दे दे, तब आप कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, अब वाई में कितनी एरर होगी आपको ये निकालनी है। अगर आप ध्यान दोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल में भी हमने जो किया था वो कैसे कैलकुलेशन किया था, पहले डिफरेंशियल चेंजेस लिए थे, याद है, पहले डी वाई निकाला था, रिमेंबर, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था वाई इज बेसिकली ए बी, तो पहले लॉगरिथम ले लिया और उसके बाद फिर हमने क्या किया, डिफरेंशियल चेंजेस निकाल लिए। डिफरेंशियल चेंजेस से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया जिसको हम हर बार यूज कर रहे हैं। तुम अगर देखोगे तो अब मैं थोड़ी डिराइव करता हूँ, इससे पहले जो मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए अभी उसमें मैंने किसी किसी भी जगह पे तो डेरिवेशन नहीं किया, क्यों, क्योंकि रिजल्ट्स बन गए जो स्टैंडर्ड, अब उसको आप रिजल्ट्स की तरह यूज करेंगे। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है आप उसमें डायरेक्टली यूज करते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2, उसको हर बार थोड़ी हम डिराइव करते हैं, उसका एक डेरिवेशन भी तो एग्जिस्ट करता है, बट हम डिराइव थोड़ी करते हैं,
तो वैसे ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं, डेरिवेशन उसका पार्ट है, जो कि आप यू नो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे सिंस हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्यों नहीं है ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नंबर्स का इन्वर्स हो चुका है, मतलब जो भी वेरिएबल उनका इन्वर्स हो चुका है, उसके बाद आप ऐड कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशियल चेंजेस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ, टेकिंग डिफरेंशियल चेंज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डिफरेंशियल चेंजेस ऑन बोथ साइड्स। किसको याद है डिफरेंशियल चेंज कैसे लेते हैं, किसको याद है डिफरेंशियल चेंज कैसे लेते हैं बताओ। पहले हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और लास्ट में डी ऑफ दैट वेरिएबल लगा देते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आपको 1/y दिख रहा है, तो 1/y में वेरिएबल कौन है, वाई, तो 1/y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और लास्ट में क्या करेंगे, डी ऑफ दैट वेरिएबल लगा देंगे। तुम सोचो तुमको ये क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है डी ऑफ 1/y, यही निकालना है ना। तो डी ऑफ 1/y को लिखने का तरीका क्या होगा, डी ऑफ वाई टू द पावर -1/dy एंड इनटू dy, यही तो तरीका है ना, है नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, और आप फिर क्या किया, लास्ट में डी ऑफ दैट वेरिएबल लगा दिया। ये चीजें आपको मेंटली करनी है, ये चीजें आप लिखेंगे नहीं, ये मैं आपको लिख के आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करना है, बट ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं इसकी डिफरेंशियल चेंज ले रहा हूँ, तो मैं पहली चीज क्या कर रहा हूँ, उसमें वेरिएबल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वेरिएबल कौन है, वाई। तो मेरे को क्या करना है, 1/y को डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर लास्ट में डी ऑफ वाई लिख देना है, आई बात समझ में। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा बताओ, -1/y का डिफरेंशियल चेंज, सॉरी 1/y का डिफरेंशियल चेंज क्या होगा, -1/y² ये होगा ना, n(x^n-1) और n तो खुद ही -1 है, तो -1 -1 कितना होगा, -2 हो गया, और -2 का मतलब तो 1/y² आ जाएगा, तो ये हो गया इनटू dy, सही लिखा है क्या मैंने। सिमिलर तरीके से 1/a का डिफरेंशियल चेंज क्या होगा, -1/a² इंटू डी ए, फिर अगेन -1/b² इंटू डी बी। देखो मैंने सही लिखा है क्या, समझ आई सबको, डिफरेंशियल चेंज लिया हमने, अब -1 तो सब में कॉमन है, कट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे मैं ये वो अप्रोक्सीमेशन वाले चेंजेस को की बात करूंगा, कि सिंस वाई में चेंजेस मतलब ए और बी में चेंजेस छोटे होते हैं, तो डी वाई कैन बी रिप्लेस बाय डेल्टा वाई, डी ए कैन बी रिप्लेस बाय डेल्टा ए, डी बी कैन बी रिप्लेस बाय डेल्टा बी, तो वो अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करेंगे। देखो एज डेल्टा ए इज वेरी लेस कंपेयर टू ए, डेल्टा बी इज वेरी लेस कंपेयर टू बी, ये हमको पता है, देखो डी ए कैन बी रिटन एज डेल्टा ए एंड डी बी कैन बी रिटन एज डेल्टा बी, एंड देखो आपके पास रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना डेल्टा वाई ओवर वाई स्क्वेयर विल बी डेल्टा ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस डेल्टा बी ओवर बी स्क्वेयर हो गया। तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया। कुछ लोग ऐसे याद रखते हैं इस रिजल्ट को, बट मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, कुछ लोग यहाँ से इसको ऐसे याद रखते हैं, तो आपको अगर ये लगता है कन्वीनियंट तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, डेल्टा वाई बाई वाई करता हूँ, और एक और वाई को मैं आर एच एस में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू वाई बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू वाई बाई बी। आपको समझ आया मैंने क्या किया है, एक डिनोमिनेटर का एक वाई स्क्वायर, इसमें से एक वाई को मैं आर एच एस में लेके चला गया, और जो 1/a² है उसको ए इंटू ए लिख दिया डिनोमिनेटर में, वैसे ही 1/b² को बी इंटू बी लिख दिया डिनोमिनेटर में। इससे एडवांटेज क्या होगा, अच्छा वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप ये ध्यान दो, वाई की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई ए प्लस बी है क्या, वाई की वैल्यू कितनी है, ए बी बाई ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि 1/y इज 1/a + 1/b, तो वाई कितना हुआ, ए बी बाई ए प्लस बी, तो अगर मुझे वाई बाई ए चाहिए तो ये ए को मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या बनेगा हमारे पास, बी बाई ए प्लस बी। सिमिलर तरीके से अगर आपको वाई बाई बी चाहिए तो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या बनेगा, ए बाई ए प्लस बी, तो बस इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज डेल्टा ए बाई ए इंटू बी बाई ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू ए बाई ए प्लस बी, दैट्स द फाइनल आंसर, हो गया डेल्टा वाई बाई बाई। मैं इस फॉर्म में इसको याद रखता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा आसान है, और वैसे भी हमें डेल्टा वाई वाई स्क्वायर तो नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई बाई वाई निकालना है, तो मुझे ये कन्वीनियंट लगता है, मैं इसको यूज करता हूँ, बट आपको अगर ये कन्वीनियंट लगता है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसका एक सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस, ठीक है, ये मेथड वन लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ये मेथड वन है जिसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है, इस रिलेशन को मेथड वन से सॉल्व करके दिखाया है।
एक और मेथड है बट ये लेस प्रेफरेबल मेथड है, इससे आंसर डिफरेंट आएगी ठीक है। मेथड टू लेस प्रेफरेबल, क्यों लेस प्रेफरेबल है उसका रीजन भी आपको बताऊंगा अभी। लेस प्रेफरेबल आपके पास रिलेशन क्या था, 1/y इज 1/a + 1/b, किसी ने क्या किया इसको सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख दिया वाई इक्वल टू ab/a + b ऐसे लिख दिया ठीक है। कुछ गलत नहीं लिखा है बट ऐसे तो कर सकते हैं। बट एक चीज देखो, ए और बी में तो ऑलरेडी एरर था राइट, ए एंड बी ऑलरेडी हैड सम एरर। अब डिनोमिनेटर में देखो आपके पास यहाँ पे a+b टर्म है, तो a+b में भी तो वापस से एरर आ जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर ए में एरर है बी में एरर है तो a+b में भी तो एरर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, तीन वेरिएबल हो गए। मतलब ए तो वेरिएबल था ही, बी तो वेरिएबल था ही, अब a+b क्या हो गया, एक नया वेरिएबल बन गया है। मतलब आप इसको ऐसे सोच सकते हो, इसको ऐसे लिख लें, अगर हम ab/c लिख लेते हैं ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। वे सी इज बेसिकली a+b। अब सोचो ये यहाँ पे कितनी चीजें हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो तीन चीजों का क्या है, मतलब डिपेंडेंसी से आप एक चीज को कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएं, तो डेल्टा वाई बाई वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस डेल्टा सी बाई सी, और सी तो आपका a+b है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई a+b। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, दिस इज डेल्टा वाई बाई वाई। आपको समझ आया इसको हमने लेस प्रेफरेबल क्यों बोला, क्यों, क्योंकि इसमें एरर थोड़ी ज्यादा आएगी, पहले वाले में जो आपने कैलकुलेट किया उसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा एरर आएगी, क्योंकि आपने एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पे, इस वजह से इसको लेस प्रेफरेबल मानते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है, आप पहले कौन सा करेंगे, जो मैंने मेथड वन में दिखाया आप उसको पहले करेंगे, अगर उससे आंसर मैच नहीं किया तब समझ जाना कि सेकंड मेथड से करना है, इसीलिए लेस प्रेफरेबल बता रहे हैं। आपको बात समझ आई है ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस किसको देना है, फर्स्ट मेथड को ही प्रेफरेंस देना है, आंसर मैच कर जाएगा, मोस्ट लाइकली आपका आंसर मैच कर जाएगा, बट कुछ कुछ बुक्स जो है वो इसको फॉलो करते हैं, तो आपको बस ये समझ लेना कि ठीक है बस ऐसे भी करना है, ये भी जान के रखेंगे। क्लोज क्लोज रहेंगे ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ आपको 0.1 का 0.2 का डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है, दूर दूर भी हो सकते हैं ठीक है। बट आपको आंसर आंसर में अगर दिख रहा है कि हाँ भाई एक तरीके से मेरा आंसर मैच नहीं किया, तो सेकंड तरीके से करके देख लेना ठीक है। तो टिपिकल एग्जांपल्स में मैं आपको ये पहला एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, ये इनवर्स वाला, आप ध्यान रखना। अब सेकंड वाले करते हैं ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा एक फंक्शन यूज हो रहा है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर लिए, लॉगरिथमिक फंक्शंस यूज कर लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर लिए, और उसमें से आपको कैलकुलेशन करनी है, तब आप क्या करोगे, तब आपको डिफरेंशियल चेंजेस का फिर से वापस से तरीका को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है तब आपको डेराइवेशन खुद ही करना पड़ेगा, डेरिवेशन खुद ही करना पड़ेगा, और ये डेरिवेशन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल चेंजेस ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, उससे मुझे डी ऑफ दैट क्वांटिटी मिल जा रहा है, उसके बाद डी ऑफ दैट क्वांटिटी डिवाइड बाई वाई करना है, तो बस अपने आप ही आंसर मिल जाता है, मिलता जाएगा ठीक है। तो बस यही चीज आपको सीखनी है, तो एक एग्जांपल के थ्रू ही दिखाऊंगा आपको, बट पहले लिख लीजिए, इफ इफ अदर देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अदर देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कॉमा देखिए लिखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक कॉमा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर यूज्ड, देन जस्ट टेक डिफरेंशियल चेंजेस ऑन बोथ साइड्स एंड हेंस द फ्रैक्शनल एरर कैन इजिली बी कैलकुलेटेड, फ्रैक्शनल एरर कैन इजिली बी कैलकुलेटेड। ठीक है, एप्लीकेशन में दिखाता हूँ फिर आप समझ जाओगे क्या करना है। देखो पहला एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको, देखो क्वेश्चन लिखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज डिपेंडेंट अपॉन डिफ्लेक्शन, डिपेंडेंट अपॉन डिफ्लेक्शन थीटा एज आई इक्वल टू के टैन थीटा, करंट फ्लो वेयर का के इज कांस्टेंट, ठीक है, के कांस्टेंट। फाइंड थीटा एट विच द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर शोज मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी कहाँ पे होगी, आपको ये फाइंड करनी है। आपको याद है जब मैंने एरर का फर्स्ट क्लास जब लिया था तब शुरुआत में ही आपको एरर्स वगैरह कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है ये आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया था। दो रीडिंग जब आपको दी हुई होती है तो दो रीडिंग का फ्रैक्शनल एरर को आप कंपेयर करते हो। जैसे आपको मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसे कुछ वैल्यूज लिए होंगे कि 2.5 सेंटीमीटर मान लो मेजर कर रहा है कोई, और दूसरा कोई मेजर कर रहा है 2.54 सेंटीमीटर, तो आपको ये समझ में आता है इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 है। तो आप जब फ्रैक्शनल एरर लिखते हो तो क्या लिखते हो, 0.1 डिवाइड बाई 2.5 लिखते हो, जो कि आपका 1/25 बन जाता है। बट जब आप इसमें अगर फ्रैक्शनल एरर लिखोगे कितना लिखोगे, 0.01 डिवाइडेड बाई 2.54, जो कि 1/254 बन जाता है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि सेकंड वाले इसमें क्या है, आपका फ्रैक्शनल एरर क्या है, कम है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा एक्यूरेट बोलते हैं, याद है आपको। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो करंट है ये थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, दिस करंट इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज करेगी। ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू को हम मेजर करें, मतलब हम अगर आप देखोगे तो कोई भी गैल्वेनोमीटर हो एमीटर हो उसमें क्या होता है, एक नीडल होता है जो कि एक स्विंग करता है, राइट। आपने करंट स्टडी तो पढ़ा है ना, तो उसमें एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि एक गैल्वेनोमीटर होता है या एमीटर होता है, उसमें एक नीडल होता है जो कि क्या होता है, स्विंग करता है, और वो स्विंग करके हमको क्या करता है, रीडिंग देता है। जैसे कार के ही आप अपने ओडोमीटर को देखो तो कार में ही क्या होता है, कार में या बाइक में कहीं पे भी आप देखोगे तो 0 से लेके 140 किलोमीटर पर आवर का तक का मार्क किया हुआ है, और उसके बाद फिर उसमें एक नीडल क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। जैसे जैसे आप फास्ट मूव करते हो तो नीडल ज्यादा स्विंग करता है। अब नीडल्स के बीच जो दो सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, वो दो सक्सेसिव डिविजन्स के बीच का जो मेजरमेंट है वही उसका क्या होगा, लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा वो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हमें क्या करना है, अगर वो कोई भी एक डिफ्लेक्शन जा रही है, कोई भी एक डिफ्लेक्शन जा रही है, तो उस डिफ्लेक्शन पे एरर कितना आ रहा है हमको पहले वो देखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन थीटा पे जा रहे हैं तो वहां पे कितने का एरर मिल रहा है, तो थीटा का अगर एरर हमको पता है, मतलब डिफ्लेक्शन का एरर पता है, तो उसके हिसाब से हम करंट का एरर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हम करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम डिफरेंशियल चेंज लेंगे। तो अगर इसी से हम डिफरेंशियल चेंज लें तो डी आई की वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो डी आई की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में हमने डिफरेंशियल चेंज किया डी आई हो गया, राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन है, थीटा। तो हमें टैन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में क्या करना है, डी ऑफ थीटा लिख देना है। इसको सिंपल बार बार सोचने का तरीका सोचो, टैन थीटा को आपको डिफरेंशियल चेंज फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड के टाइम्स ऑफ डी ऑफ टैन थीटा, ऐसा लिखना है, राइट। डी ऑफ टैन थीटा मतलब टैन थीटा में कितना का डिफरेंशियल चेंज आएगा। मेंटली आप कैसे इमेजिन करोगे उसको, मेंटली कैसे इमेजिन करना है कि हम इसको मेंटली ये लिखेंगे नहीं, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट, तो डिवाइड बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, क्या आपको बात समझ आ रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसके बाद फिर डी थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। टैन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बस वही चीज आ जाएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, के टाइम्स ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया, डी डी आई को कैलकुलेट कर लिया है, एंड देयरफॉर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डी आई बाई आई कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर अब हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, डी आई इज के सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड डिवाइड बाई करंट, करंट विच इज के टैन थीटा, खुद से यहाँ से के गेट्स कैंसल आउट, सेक्स स्क्वायर बिकम्स 1/cos² एंड टैन बिकम्स साइन बाई कॉस। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1/cos² थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसके साथ हमारा डी थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस थीटा तो काट देते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ताकि डिनोमिनेटर में जो है 2 sin थीटा कॉस थीटा ही क्या बन जाए, sin 2 थीटा बन जाए। तो ये हो गया 2 d थीटा डिवाइडेड बाई, दिस बिकम्स sin of 2 थीटा, ठीक है।
है। अभी अगर आप नोटिस करोगे या चेक करो, आपको क्या पूछा था उसने, मैक्सिमम एक्यूरेसी। मैक्सिमम एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा, लीस्ट एरर है ना, इम्प्लाइज लीस्ट फ्रैक्शनल एरर चाहिए, लीस्ट फ्रैक्शनल एरर। और लीस्ट फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तुम सोचो इसकी वैल्यू मुझे सबसे कम चाहिए, तो ऑब्वियस है ये जो डिनोमिनेटर में बैठा है इसका वैल्यू क्या चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सबसे कम मिलेगी। साइन टू थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कब होता है, जब एंगल कितनी, टोटल एंगल कितनी आ जाए 90 डिग्री, तो टू थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 45। दैट्स इट, सो 45 डिग्री इज रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ से आप वही कंक्लूजन हम ड्रॉ कर लेंगे, सो देयरफॉर फॉर डी आई, अच्छा नहीं ये तो लिखा हुआ है हमने, डायरेक्टली लिख देते हैं, देयरफॉर साइन टू थीटा ये आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए जो कि आपकी 1 है, एंड देयरफॉर टू थीटा आपकी 90 डिग्री होनी चाहिए, एंड देयरफॉर थीटा आपकी 45 डिग्री होनी चाहिए। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग डिफरेंशियल चेंजेस। आपको ये ध्यान रखनी है कि डिफरेंशियल चेंजेस कैसे लेते हैं। एक और एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं, चेक करो, दी रेजिस्टेंसेस, दी रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रेजिस्टर्स, दी रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रेजिस्टर्स आर नोन टू बी आर वन इक्वल टू 100 प्लस माइनस ऑफ 2 ओम्स, आर टू इक्वल टू 200 प्लस माइनस ऑफ 1 ओम्स। अच्छा हाँ, ये ओम्स को एकदम एक साथ बाहर लिख लीजिएगा ताकि दोनों में यूनिट लग जाए, ठीक है, क्योंकि 100 में भी तो यूनिट होगा ना, ठीक है, 100 ओम्स प्लस माइनस 2 ओम्स, ठीक है, वैसा है। फाइंड फाइंड द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एरर, फाइंड द रेशियो ऑफ द परसेंटेज एरर इन देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ट्राई करो, जल्दी देखो क्या आ रही है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करिए, जल्दी वैल्यू बिठाए। क्या हम सबको फॉर्मूला पता है, पता है नहीं पता है? अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखेंगे क्या लिखते हैं, आर वन प्लस आर टू, यहाँ पे कौन सा रूल लगना है, एडिशन वाला, तो आप यहाँ पे डेल्टा आर एस, सॉरी डेल्टा आर एस बाई आर एस लिखेंगे। अब वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 2 3, 100 प्लस 200 300, तो ये आ गई 1 बाई 100 आ गई है, मतलब 1% की आ रही है, दिस इज 1%, ठीक है। अभी हम पैरल कॉम्बिनेशन के लिए लिखे हैं, तो 1 बाई आर पी लिख लेते हैं पैरल के लिए, दिस इज 1 बाई आर1 प्लस 1 बाई आर2। एंड अब हम पैरल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा आर पी बाई आर पी, दैट विल बी डेल्टा आर वन बाई आर वन मल्टीप्लाइड विथ आर टू बाई आर वन प्लस आर टू प्लस डेल्टा आर टू बाई आर टू इंटू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है। नए नए में करो तो ठीक है, फॉर्मूला लिखना चाहिए आपको ताकि फॉर्मूला याद भी हो जाए, और उसके बाद फिर एक बार आपने 10-12 बार कर लिया इस तरह के क्वेश्चन, तो उसके बाद फिर आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिमाग में मेंटली पिक्चराइज करेंगे कि भाई मेरे को डेल्टा आर वन कितना दिया है, डेल्टा आर वन दिया है 2, और आर वन कितना दिया है 100, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसके साथ आर टू बाई आर वन प्लस आर टू करना है, आर टू कितना था 100, और आर वन प्लस आर टू कितना था आपका, अच्छा नहीं सॉरी 200, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 300, करेक्ट है, फिर प्लस ये तो 1 डिवाइडेड बाई 200 एंड इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300, ये डेसिमल्स हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास 1 बाई 100 को कॉमन आउट कर लेते हैं, अच्छा 300 को कॉमन आउट कर सकते हैं, 1 बाई 300 को हमने कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पे बचा आपके पास 4 एंड प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास, 0.5 बच रही है ना, 1/2 बच रहा है, मतलब 0.5, करेक्ट है।
1/300 को कॉमन आउट कर लिया, न्यूमरेटर में बचा 4 + 0.5, यस आ रही है आपके पास 4.5% आ रही है। हाँ पर क्या कुछ गलत किया, कौन सा? अच्छा, हाँ, ठीक है सही है, 4.5/300 है, सही है ये फ्रैक्शन में। और जब परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 1.5% आ जाएगा। दिस इज 1.5% क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर जो अपना रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो उसने सीरीज और पैरेलल का बोला था, सीरीज में कितना आया था 1% और पैरेलल में कितना आया 1.5%, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2/3 आ गई है, दैट इज द रिक्वायर्ड रेशियो। बोलिए। एक्सप्लेन करना है एडिशन का रूल क्या है। अरे वाई इक्वल टू ए प्लस बी में क्या करते हो आप, ओहो ये लड़की क्या करे, डेल्टा वाई को क्या लिखोगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और फिर वाई से डिवाइड करना है तो ए प्लस बी से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, अभी सारे एप्लीकेशंस आपको दिखा दिए, एरर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी दिखा दिए आपको, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और टिपिकल एग्जांपल है वो भी दिखा देते हैं, एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल है। अटोमिक क्लॉक्स आर नोन टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड इन 10^10 सेकेंड्स। इफ टू सच क्लॉक्स कीप रनिंग फॉर 2500 ईयर्स नॉन स्टॉप एंड बोथ मेजर सेम टाइम ड्यूरेशन, वॉट इज द मैक्सिमम एरर इन द डिफरेंस ऑफ टाइम मेजर्ड बाई देम, मेजर्ड बाई देम। क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज पहले तो इंटरप्रेट कर लो आप यहाँ पे, ये 1 सेकेंड इन 10^5 सेकेंड्स का एक्यूरेसी होने का क्या मतलब है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एरर आएगा 1 सेकेंड का अगर आप 10^10 सेकेंड्स तक उसको ऑपरेट करेंगे, तो मतलब 10^10 सेकेंड्स का टाइम ड्यूरेशन जब वो मेजर करेगा तब उसमें 1 सेकेंड का एरर आएगा। तुम सोचो ये कितना छोटा एरर है, तुम ये सोच के देखो, छोटे का बड़ा का पता कैसे चलता है, जब आप फ्रैक्शन लेंगे तब पता चलेगा कि 10^10 सेकेंड्स को आपने मेजर किया और उसमें कितने सेकंड का एरर हुआ, 1 सेकंड का एरर हुआ है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ले रहा हूँ, 1/10^10, और ये वैल्यू कितनी आई, 10^-10 मतलब 0.00000001, राइट, इतना का फ्रैक्शन में, और 100% में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी बहुत ही छोटा एरर है, दिस अ वेरी स्मॉल एरर, मतलब ये बहुत ही एक्यूरेट क्लॉक्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं आप गूगल कर लेना, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक्स क्या होते हैं, सिलेबस का बियॉन्ड है बट आपको अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना। बट अभी इसने क्या कर रखा है, ऐसा ही दो एटॉमिक क्लॉक साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं और 2500 साल तक इनको ऑपरेट करने के लिए छोड़ दिया। तो बताओ अगर पहले घड़ी ने अगर इसको मेजर किया और दूसरे घड़ी ने अगर इसको मेजर किया तो इन दोनों घड़ी का जो टाइम होगा तो उनके डिफरेंस में कितने का एरर आएगा, यही हम जानना चाह रहे हैं। सो लेट अस से डिफरेंस को हमने टी से डी को डी से इंडिकेट किया है, ये डिफरेंस को डी से लिख देते हैं, लेट अस से मतलब मान लेते हैं डी है हमारा वो डिफरेंस एंड दैट इज T1 - T2, मतलब पहला घड़ी का रीडिंग और दूसरे घड़ी का रीडिंग। यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, एडिशन रूल, राइट। एडिशन रूल क्या कहता है, अगर आपको डेल डी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, Δt1 + Δt2 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, और दोनों घड़ियां तो एक जैसे एक्यूरेसी के हैं तो इसलिए दोनों में एरर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज टू टाइम्स ऑफ Δt1 लिख सकते हैं क्या, किसी एक का भी एरर और दूसरे का एरर सेम ही है तो इसलिए टू टाइम्स ऑफ Δt1 कर दिया। अब मेन जो कैलकुलेशन है वो एक में कितनी एरर हो रही है आपको ये कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द एरर इनकॉर्पोरेटेड इन इन एनी वन ऑफ देम। अब उसके लिए चलते हैं, तो उसने क्या दे रखा है हमें, 10^10 सेकेंड्स में कितने का एरर आएगा, कितने का 1 सेकेंड्स का एरर है, करेक्ट है।
और अब उसने कितना साल दे रखा है, 2500 साल दे रखा है, 2500 साल, इसमें कितने का एरर आएगा, 1/10 to the power 10 इंटू 2500, ये तो ईयर्स में आएगा राइट, बट अगर मैं इसमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2500, अच्छा एक साल में कितने दिन होंगे, 365, और एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, गुड, 8,64,00 सेकेंड्स, ये जिनको नहीं पता है वो याद रखना चाहिए, एक दिन में 8,64,00 सेकेंड्स होते हैं, मतलब 3600 × 24, यही है ठीक है, तो ये आपके पास टाइम हो गया, अब इसकी वैल्यू को निकालें कितनी आएगी, तो आधे लोग तो कैलकुलेशन देख के हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो 1/10 to the power 10 इंटू, इसको लिख रहे हैं 2.5 इंटू 3.65 इंटू 8.64 इंटू, अभी कितने डेसिमल मैंने लिए, 1 2 3 4, 1 2 में 6 7 8 9, मतलब 10 to the power 9 ठीक है, ये आपके सेकेंड्स में आ रहे हैं, दीज आर इन सेकेंड्स, अब सेकेंड्स में सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं, ये 10 to the power 9 और ये 10 to the power 10 का तो वैल्यू हट जाएगा ठीक है, अब ये कैलकुलेशन जो आप करोगे और मैं करूंगा उसमें थोड़ा सा अप्रोच में डिफरेंस क्या आएगा वो भी दिखाता हूँ ठीक है, जस्ट सी दिस, अब ध्यान से सुनो, कैलकुलेशन जो है वो एक ट्रिक है एग्जामिनेशन हॉल में, वो आप सबको, सबको स्ट्राइक नहीं करता है, उसी को स्ट्राइक करता है जिसके पेन बहुत चलते हैं, मेरा पेन बहुत चल रहा है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे और अभी भी चलता है, मैं आज तक अभी कभी भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता, कभी नहीं, और मैं आपसे तेज भगा सकता हूँ अपने पेन को, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ, मैंने कैलकुलेशन में भी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बीट कर दूंगा कैलकुलेशन में, चाहे जितना भी लंबा कैलकुलेशन मैं तुम्हें बीट कर दूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है खुद पे, तो अभी क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे आपको अगर ये नंबर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे आप 25 × 3.65 करोगे, बट मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, 2.5 गुना, मतलब समझ आ रही है, आप क्या करो 2.5 × 3.65, आप उसको वैसे ही सोच रहे हो, जस्ट यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 2.5 गुना है ये, 2.5 गुना का मतलब समझते हैं आप, 2 गुना + आधा राइट, पहले आप 2 गुना करेंगे फिर आधा करेंगे फिर ऐड कर देंगे, यही तो मतलब है, तो 3.65 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 7.3, ये सब हो जा रही सबको, अब 3.65 का आधा कितना होगा, 1.825 राइट, 1.825, तो 1.825 और 7.3 को ऐड करना है, मेरे दिमाग में वही चल रहा है, 7.3 + 1.8, मतलब रफली आप सोच रहे हो, एक दो एक ही डेसिमल प्लेस में ले लो, तो 7.3 + 1.8 कितना आया, 9.1 आ गया राइट, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 9.1 है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9.1 × 8.64, अच्छे इसको ऐसे करते हैं, इसको 0.864 कर देते हैं, 0.864, क्यों किया मैंने 0.864, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको, अब इतना तो पक्का है कि ये वैल्यू जो होगी 9.1 से छोटी आ रही है, आ रही है 9.1 से छोटी, अब कितना छोटा आएगा, फिर से आप सोच रहे हो 9.1 × 0.864 करना है, मैं ऐसे नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर ये 1 होता, अगर ये 1 होता इमेजिन करो, तो ये एग्जैक्टली 9.1 होता, तो 1 से कितना सब्ट्रैक्टेड है, ऑलमोस्ट 14 सब्ट्रैक्टेड है ना, देखो इसको अगर 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करें तो कितना है, 14 सब्ट्रैक्टेड मतलब 0.14, 1 से अगर आप 0.14 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ओहो 1 − 0.14, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.86 आएगी ना, तो 1.4 मतलब 0.14 मतलब कितना है, 14% राइट, 0.14 का मतलब क्या है, 14%, तो मुझे 9.1 का 14% 9.1 से सब्ट्रैक्ट करना है, 9.1 का 10% कितना होगा, 9.1 का 10% कितना होगा, 0.9, 0.9 राइट, 0.91 इज 0.9 ओनली, आप ये सब चीजें जल्दी करो दिमाग में, 0.91 बोलने की जरूरत है, 0.9 निकलेगा, तो 0.9 हो गया, उसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 0.45, तब वो कितना आएगा, 15% राइट, तो 0.9 + 0.45 दैट बिकम्स 1.35, 1.35 इज 15%, तो 0.5 और 0.5 और हटा दो तो 0.13 आ जाएगा, सॉरी 1.3 आ जाएगा, दैट्स इट, 9.1 से मुझे 1.3 सबट्रैक्ट करना, दैट इज द आंसर, आई बात समझ में, 9.1 वाज 100%, तो मुझे 15% ऑलमोस्ट सबट्रैक्ट करना है, तो वो 15% मैंने सबट्रैक्ट किया है, काम खत्म हो गया मेरा, तो फाइनल आंसर होगा आपके लिए, दिस विल बी कितने आ गया आपके पास, 9.1 − 1.3 अप्रोक्सीमेटली, अब ये लॉजिक आप अपना खुद से लिख लेना ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया, नहीं अब नहीं समझा सकते, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत मेहनत करना पड़ता है एक चीज़ें बोलने के लिए, रिकॉर्डिंग देखना और सुन लेना 9.1 से, क्योंकि कैलकुलेशन कोई सिखाएगा नहीं आपको, बट मैं फिर भी इतना सिखा रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन कौन सी क्लास में आपको कैलकुलेशन सिखाएगा बताओ, नहीं सिखाएगा कोई, 9.1 से 1.3 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, 7.8, 7.8 आ जाएगा, 7.8 सेकेंड्स में आया है, और इसका डबल करना है तो कितना आ गया, 15
15.6 सेकेंड्स का एरर आएगा। कितने साल में? 2500 साल में। 2500 साल का मेजरमेंट होगा तब 15.6% का, 15.6 सेकेंड का एरर आएगा। सो दीज आर वेरी एक्यूरेट लॉग्स। अच्छा ठीक है, एक बार बोल देता हूँ, तो मैं दुखी करके भेजना नहीं चाहता, मैं बोल देता हूँ एक बार और। ठीक है देख लो, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग, एक दो लोग हिम्मत करते हैं, बट बहुत लोग होते हैं जो नहीं समझते हैं, तो मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इन केस आप मिस आउट कर चुके हैं तो। मैंने यहाँ पे 2.5 और 3.65 को, पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है 2.5 नंबर की तरह नहीं चल रहा है, मेरे पास 2.5 बेसिकली फ्रैक्शंस की तरह चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ 2.5 इज बेसिकली 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डबल करना पड़ेगा, फिर हाफ करना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 3.65 का पहले डबल करो, 3.65 का डबल किया तो 7.3 आ जाएगा, फिर 3.65 का हाफ करो कितना आएगा, 1.825 आएगा, तो 1.8 ही मान लो आप इसको। तो 1.8 और फिर 7.3, इनको हमने क्या किया, ऐड करना है। तो 7.3 प्लस 1.8 बिकम्स 9.1, तो ये 9.1 बेसिकली वही था। और यहाँ पे 8.64 डिवाइड बाई 10 था, विच बिकम्स 0.864। तो 0.864 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने देखा कि एक फ्रैक्शन है, तो मैं फ्रैक्शन को कैसे हैंडल करूंगा वो सोचा मैंने। तो मैंने सोचा कि 0.864 को पहले तो राउंड ऑफ किया दिमाग में, तो 0.86 आया, इसको लिखा 1 माइनस ऑफ 0.14 है ये। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब 9.1 जो है उससे मुझे ऑलमोस्ट 14% ऑफ 9.1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, राइट? 14% का मतलब ही तो है 0.14। तो 14% कैसे निकालेंगे, पहले मैंने 10% निकाला, 10% कितना हो जाएगा 0.9, और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, राइट? और है ना, 0.9 का हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, 5% और ऐड हो जाएगा, तो 0.9 प्लस 0.45, राइट? 0.9 प्लस 0.45, तो दैट बिकम्स 1.35। बट ये तो आपका 15% सब्ट्रैक्ट हो गया, बट हमको कितना चाहिए था, कितना चाहिए था, 14%। तो इसका मतलब वैल्यू और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो 1.35 की जगह मैंने 1.3 ले लिया उसको, तो 1.3 सब्ट्रैक्ट किया किससे, 9.1 से, तो वैल्यू हो गई 7.8। यही कैलकुलेशन में आपको दिखाया है। ठीक है, अब आपको ये चीजें कैसे स्ट्राइक करेगी, जब आप अपने घर में कैलकुलेटर सबसे पहली चीज छोड़ेंगे। कितने लोग हैं जो कैलकुलेटर यूज करते हैं अभी, हाथ रेज करिए सिंसियरली प्लीज, सिंसियरली हाथ रेज करिए। ओके ओके ओके, नंबर और भी ज्यादा है, मैं श्योर हूँ नंबर और भी ज्यादा है, बट बहुत लोग शर्म से उठा नहीं रहेंगे, सर क्या सोचेंगे। ओके, बहुत बड़ा नंबर है अभी भी, ठीक है हाथ नीचे करिए। आपको एक, हाँ, कुछ लोगों के पास ये भी जस्टिफिकेशन होती है, सर आपको पता नहीं है केमिस्ट्री में बहुत लंबा यूज करना पड़ता है ना, बहुत लोग होंगे ऐसे, है ना, है ना। हाँ, मैंने तो कभी केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है ना, मैं तो डायरेक्ट यू नो डायरेक्ट यहाँ पे क्लास में घुस गया, है ना, बीच का स्टेजेस मैंने सब बाईपास किया हुआ है। केमिस्ट्री के बहुत लोग होते हैं जैसे जिनको आदत नहीं होती है, जैसे आपको, आपको ये क्यों हो रही है, क्योंकि आपके टीचर कभी आपके सामने कैलकुलेशंस नहीं करते। आपके टीचर क्या करते हैं, जब आप कैलकुलेशन आ गई तो वो कैलकुलेटर यूज कर लिया उन्होंने खट 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 करके, और आपने उनको देख लिया था, अरे सर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर लेता हूँ। अब ये चीज देखो, उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मे बी उनकी वो आदत नहीं है वो इतने कैलकुलेशंस करने की, और उनकी नेसेसिटी भी नहीं है, क्योंकि उनको एग्जाम नहीं देना है ना, एग्जाम किसको देना है, आपको। क्या आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर मिलेगा, नहीं, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं मिलेगा। तो एग्जाम तो आपको देना है, तो प्रैक्टिस तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई उसके पास तो प्रिविलेज है, वो तो क्लासरूम में बैठा हुआ है, बट आप तो क्लासरूम में नहीं बैठोगे, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे। टीचर को अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होता तो वो भी अपने प्रिपरेशन वैसे करता। तो पहली चीज तो ये है कि आप ये सोचना छोड़िए कि आप केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं अपने आप को, और कुछ नहीं है, आप जस्ट वो कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा कैलकुलेशन दिखे जो आपको लगता है नहीं हो सकता है बिना कैलकुलेटर का, आप मेरे पास खाली मैसेज भेज देना, बस वो कैलकुलेशन वाला पार्ट का, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। मैं अश्योर कर सकता हूँ आपको कि केमिस्ट्री का कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, वो बिल्कुल इसी ट्रिकी तरीके से, आपको भी वो सीखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन है, दीज आर अप्रोक्सीमेशन जो आपके मेंटली दिमाग में होना चाहिए, और जितने जल्दी आप ये सीखेंगे आप कैलकुलेशन उतना जल्दी कर पाएंगे। पर्टिकुलरली जेई एडवांस एस्पिरेंट्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जेई एडवांस का पिछला 5-6 साल का जो ट्रेंड है वो ये है कि बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं जो किसी से कटते ही नहीं है, मैंने फैंसी कैलकुलेशंस बिल्कुल नहीं होते, किसी से कटने वाले नहीं होते, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन ही यूज करने पड़ते हैं, तभी आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे, अदरवाइज तो भूल ही जाओगे आपसे आपसे वो टाइम में कभी कैलकुलेशन भी होने वाला है। ठीक है, चलो अभी यहाँ तक खत्म करते हैं, फिर अगले दिन हम यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है।